इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इधर वाले बोले इतनी तैयारी करके हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे देंगे वैसे देंगे, हमारा इंट्रोडक्शन लिए ही नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट वन मिनट। ओके, कोई चेक कर लीजिए यार यूट्यूब पे लाइव हो गया हूं क्या मैं, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्लास में आप मुझे देख सकते हैं यूट्यूब पे और कुछ गेम गेम वगैरह ना खेले ना। चलिए नहीं बता दी सर लाइक को ये पता है सर लाइक का क्या है सर। ओके यस मैंने कर दिया चेक, क्यों क्यों तकलीफ कर रहा भाई आदित्य, मैं हूं मैं चेक कर लिया लाइव हूं मैं आदित्य। यस सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सही बेइज्जती की हो वापस ट्राई करते हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ी एनर्जी फील हुई है कि हम लोग यहाँ पर हैं और फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉइस इशू आ रहा है, ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं जस्ट गिव मी अ मिनट, जिसका बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन करता हूं और फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉइस इशू आ रहा है, ऑडियो बिल्कुल आ रहा है, वॉइस इशू थोड़ा आज के लिए सहन करना पड़ेगा, आई थिंक कुछ कुछ केबल इशू हो गया है, बट मैं एक बार फिक्स करने की कोशिश करता हूं। फॉर कैन हेलो 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 चेक कीजिएगा इफ इट्स फाइन नाउ, चेक ऑल ऑफ यू, समथिंग बेटर देन बिफोर, आई वोंट से कंप्लीटली फाइन बट समथिंग बेटर देन बिफोर। ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, यस सो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं इंट्रोडक्शन। हाँ जी मैम आपसे कहां से हैं आप भी जैन हैं, जय जिनेंद्र क्या बात है, कहां से आप, यूपी से हैं, वेलकम टू इंदौर मैम। यस मैम आप भी यूपी से हैं, तो ग्वालियर के पास है शिवपुरी, ओके बहुत ही बढ़िया वेलकम। यस सर माधव सोमानी फ्रॉम इंदौर, यस सर जबलपुर से आप, बहुत बढ़िया, कहां से, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, बहुत बढ़िया, पहली बार सुना है यार जगह का नाम, अमेजिंग, बट अब जब सुनेंगे तो आपकी वजह से याद रहेगा है ना। यस सर बिहार से है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर अली राजपुर, इतना बड़ा नाम अली राजपुर, माय गुडनेस की तो स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक हो जाती होगी बचपन में यही लिखते समय, याद हो गई है। यस सर आप जवा जाबुआ, माय गुडनेस, यस सर आप भी पार्थ हैं, वो भी पार्थ है पीछे, अमेजिंग। यस सर आप तुषार फ्रॉम हरियाणा, ओके मैं आप लोगों का भी इंट्रो ले रहा हूँ, डोंट वरी मैं इनको भी बताऊंगा आप कहाँ कहाँ से, आई नो। यस सर प्रकट शर्मा, प्रखर चित्तौड़गढ़, वहां पे था ना चित्तौड़गढ़, ऐसे अलग क्यों बैठे हो पता नहीं था वो चित्तौड़गढ़ से, ओह फिर कल से साथ में बैठा, अच्छा पता है पर देखा नहीं, ओके यस सर जबलपुर से है आप, यस सर विकास कुमार बिहार, यस सर एक और पाटीदार भैया, एक ही पाटीदार बहुत मुश्किल से हो रहा है, ये दो दो पाटीदार, सो मेनी पाटीदार पाटीदार, ये मोहित भाई कोई मिशन पे तो निकले हैं क्या भाई साहब। हाँ जी सर आंध्र प्रदेश, अरे जगत में कुन्नूर आंध्र प्रदेश है ना, कुन्नूर से, यस सर अंश बजाज फ्रॉम इंदौर, यस मैम पिया प्रिया फ्रॉम बिहार, यस मैम सलोनी जैन फ्रॉम नीमच। अच्छा अब देखना क्लास का पहला दिन है, सब जने कॉमन ढूंढते हैं कि मेरे में और किसी और में कॉमन क्या है, तो एक कॉमन हो सकती है जगह जैसे चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़, अगर वहां तक कुछ बैंडविड्थ नहीं पहुंची तो फिर स्टेट ढूंढ लेते हैं राजस्थान राजस्थान,
फिर वहां पे भी कुछ नहीं पहुंचा तो कम्युनिटी ढूंढ लेते हैं। अच्छा तमेपन गुज्जू भूपन गुज्जू पापड़ा हांडवा। सो जय जिनेन्द्र पीपल, अमेजिंग। यस मैम, खुशी फ्रॉम खुशी तो हुई मुझे मिलके। नाम बताएं, खुशी नाम है आपका, बहुत बढ़िया। यस सक्षम फ्रॉम इंदौर, आदित्य आपका नाम। आदित्य मैम पटना, अमेजिंग। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन देख रहे हैं एकाग्रता लाइव के ऐप पे, अमेजिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट एक बार मुझे क्विकली लाइव चैट पे लिखकर बताइए आप कहाँ कहाँ से, इवन ऑल द स्टूडेंट्स वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब लाइव, सभी जने क्विकली बता दीजिए और अटेंडेंस मार्क कर देना। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स वॉचिंग ऑन यूट्यूब, दिस इज जस्ट अमेजिंग अमेजिंग। क्विकली मार्क योर अटेंडेंस एंड टेल मी आप कहाँ कहाँ से। सो एक है वो लिखता है मैं जुपिटर से, बहुत बढ़िया, मतलब उसको पूछो ही मत कौन बोला से। पटना, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, करनाल से है मिलन प्रजापत फ्रॉम अहमदाबाद, ओके, इंदौर से है, पुणे महाराष्ट्र से है, वडोदरा गुजरात से है, हुबली कर्नाटका, अमरावती, अकोला, क्या बात है, बठिंडा, कानपुर, तमिलनाडु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल, मैं आप सभी का करता हूं यहां पर स्वागत। यार एक नया सफर है, एक नया दिन है, एंड ट्रस्ट मी एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट दोनों है, ये सिर्फ मुझे या आप लोगों को भी है। तो मुझे आज सब जने ये बताओ एक ऐसी विचित्र चीज जो आज आप लोगों ने की है या अपने अंदर ऑब्जर्व किए जब से आज की सुबह हुई है। जैसे मैं मेरी बात बताता हूं, मैं कल रात को सोया था 11 बजे और मैं 3 बजे से उठा हूं, मैंने अलार्म सेट किया था 5:30 का, मैंने कहा 5:30 उठूंगा मैं, आदर सर की क्लास थी, किसी को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग यहां पर रहेंगे। मैं 3 बजे से उठ के चेक कर रहा हूं कि अलार्म क्यों नहीं बजा, सो मैं 3 बजे से चेक कर रहा हूं, फिर फाइनली मैं 4 बजे उठ गया, मैंने गिव अप कर दिया, अलार्म नहीं उठ रहा मैं उठ जाता हूं, और 4 बजे से उठ के मैं काम करने लग गया। अब आप कहोगे सर काम क्या करना है, हर बार आपको पढ़ाना है, हर 6 महीने में नई स्लाइड, हर 6 महीने में वही कंटेंट, बच्चे बदल जाते हैं कंटेंट तो वही रहता है, बट ऐसा नहीं है यार। अभी भी बता रहा हूं मैंने टीचिंग प्रोफेशन क्यों सेलेक्ट किया है, इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि इस प्रोफेशन में ना चैलेंज है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय वाली जिंदगी नहीं जी सकता, लंच टाइमिंग 2 से 4, अधिक जानकारी के लिए काउंटर नंबर 4। आई रियली लाइक टू फेस चैलेंजेस इन माई लाइफ। तो आपकी लाइफ में आज ऐसा नया क्या हुआ है, कोई बताएंगे? समथिंग समथिंग अनयूजुअल जो आप रोज नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सर नींद नहीं आई, मीनाक्षी कह रही है नींद नहीं आई, मुझे तो उठते उठते अलार्म ने हार मान ली, उठाते उठाते अलार्म ने हार मान ली। अच्छा चल तेरे लिए कुछ नॉर्मल नहीं है भाई, तो नॉर्मल है, ओके। और क्या है, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, जो मेरे साथ हुआ वही हुआ आपके साथ, ओ कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। ये भी एक तरीका है प्रपोज करने का, मैं चाहता हूं मेरा और तुम्हारा बिजली का बिल एक ही पते पे आ जाए। फिर इसके आगे का डायलॉग क्या, किसी को याद है? हाँ पहले कनेक्शन तो एक हो जाए, चलो बहुत अच्छी बात है। सो ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज का जो सेशन है इसको हम लाइट रखेंगे क्योंकि पढ़ना तो कल से रोज ही है, तो पढ़ेंगे आज भी, लेकिन आज हम जो चीजों पे बात करेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग आगे कभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज ही बात करेंगे। टुडे इज द फर्स्ट एंड द लास्ट डे टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एजेंडा आप लोगों के सामने है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ओपनिंग एंड वेलकम फर्स्ट 20 मिनट्स प्लान विच इज ऑलरेडी ओवर, then we are going to discuss about CA intermediate course. तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। We are going to discuss about my subject, paper number 1, principles and practices of accounting, very very important. We are going to discuss about the batch, the Ekagrata app. जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं आप लोगों के लिए एकाग्रता लाइव ऐप, जितने भी लोग यहां पर है बहुत सारे सवाल होंगे, मेरे को आदत है बैच के पहले दिन 2-4 ही क्वेश्चन होते हैं, टेलीग्राम 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 व्हाट्सएप 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 पीडीएफ 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 पीडीएफ,
सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बिल्कुल, बट पेशेंस रखना पड़ेगा. एंड लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी टू क्रैक सीए इंटरमीडिएट नवंबर 24 अलोंग विद योर क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. क्लियर? पक्का 100%? चले आगे. बहुत बढ़िया. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू स्टूडेंट्स वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, सभी का बहुत बहुत स्वागत है. एक बार मैं देख लेता हूँ कि यूट्यूब पे 1525 बच्चे देख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यार, कोई भी नई चीज जब करते हैं तो माता सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं ना, बिकॉज माता सरस्वती जो होती है वो होती है गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम. सो माता सरस्वती से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ. अबे बेशर्मा जोड़ लो यार, मतलब मैं अकेला ही जोड़ू? नहीं भाई, मैं बन गया हूँ सीए, भरोसा करो, है ना. अब आप लोगों को बनना है. माता सरस्वती से हाथ जोड़ के सभी जने प्रार्थना करेंगे कि हे माता, आप हमें ब्लेसिंग दे. बचपन में एक एक मैं डीपीएस जोधपुर में पढ़ता था. डीपीएस जोधपुर में हम लोग एक असेंबली में क्या कहते हैं, प्रार्थना गाया करते थे. उसके दो लाइन्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रिसाइट करता हूँ माता सरस्वती के लिए. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू सुर की वर्णी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालो का संसार दे मां. हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां. थैंक यू सो मच. कुछ फील हुआ ये 20-30 सेकेंड्स में? मुझे तो फील हुआ यार, कुछ फील हुआ. तो क्या हम एक प्लेज कर सकते हैं कि हर रोज दिन की शुरुआत इसी तरीके से कर सकते हैं? सर स्कूल वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे शूज रगड़े के. सर एक बात बताओ, शू पॉलिसी वहां चेक करोगे क्या गेट पे खड़ा करके? नहीं यार, ये सब हरकतें नहीं करेंगे, छपरी हरकतें नहीं करेंगे. बट यार ये ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इसका किसी कास्ट या रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन मारवाड़ी मराठी गुजराती, एमपी में क्या कम्युनिटी चलती है, लोकल कम्युनिटी होती है कुछ लोकल, मालवी, इसका कुछ लेना देना नहीं है. माता सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम. नया दिन चालू करें, नया सफर चालू करें यार. हमारी जिंदगी में उन सभी लोगों का जिनका योगदान है उनको मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ. मेरे लाइफ में तो ये सारे लोग हैं, आपके लाइफ में कौन कौन है चेक कीजिएगा. तो सबसे पहले मैं आज ब्लेसिंग्स लेता हूं मेरे गुरु की. मेरे गुरु जिन्होंने अंशुल अग्रवाल को सीएस अंशुल अग्रवाल बनाया, सीए डॉक्टर शिवाजी जावरे सर. आई टेक ब्लेसिंग्स ऑफ माय ग्रैंड मदर, माय नानी जी. आई टेक ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स. यू शुड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद एन अमेजिंग डे. द फैक्ट दैट यू गाइस आर एबल टू अटेंड दिस क्लास, द फैक्ट दैट whether you are studying online, offline, anything, don't you think so it's possible only and only because of our parents? Isn't it? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने फीस दी है, उन्होंने हमें इस काबिल इस लायक बनाया है कि हम यहां पर आकर बैठ सके पढ़ सके. तो उनको धन्यवाद है. I dedicate this session to my wife Swati Agrawal, my son Vivan, and the most important element of my life, you guys, all my wonderful students. मैं कहता हूं कि मेरा ब्लड टेस्ट करोगे ना तो उसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अलावा दो चार बच्चे निकल जाएंगे बाहर देखने. मतलब ऐसे नहीं, डर्टी माइंड, मतलब ब्लड टेस्ट में, है ना. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में जो भी अपडाउन्स हुए हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यूट्यूब पे फॉलो किया है, जिसने भी किया उनको पता चला होगा, ये जितने भी अपडाउन्स हुए ना, ये अपडाउन से बाहर निकलने की मैं एक ही चीज है जिसमें मुझे ताकत ये से बाहर निकलने की, और वो है मेरे स्टूडेंट्स, और कोई भी नहीं. और इंदौर वो शहर है जहां पर मैं आया था जब 18 अगस्त 2023 को मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी. किसी को नहीं पता था इंडिया में कि मैं कौन से शहर में हूं, सिर्फ 2-3 लोगों को पता था, और मैं इंदौर में था उस समय. हर जगह मैं निकलता था ताकि कोई देख ना ले,
बिकॉज उस समय मैं सिर्फ कुछ बनाना चाहता था और उस समय जन्म हुआ एकाग्रता का. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आप लोगों के सामने बहुत सारी करियर चॉइसेस नहीं होंगी जब आप लोगों ने अपना 11th 12th कंप्लीट किया होगा, इजंट इट. काफी लोग ऐसे फैमिली से होंगे जिनके पेरेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, मे बी डॉक्टर, मे बी फार्मेसी. कुछ लोग इंजीनियर बैकग्राउंड से होंगे, कुछ लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे. बट आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सीए के बैकग्राउंड से है? मतलब परिवार में कोई सीए? ओके, कौन है सीए? भैया सीए है. बट ओके, लेट मी आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन, किसी के पापा सीए है? बहुत कम मिलता है ऐसा नंबर, बहुत कम. हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया सीए? लेट्स हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक. क्यों सेलेक्ट किया सीए, कोई मुझे बताएंगे? ऐसे ही सर, ऐसे चार डिग्री की चिट बनाई थी, ऐसे निकाला उसमें ऐसा नहीं सर, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100-100 में निकला था, आगा चोर निकल के भागा, ऐसे सेलेक्ट किया सीए. पैसा. नरेंद्र सालविया ने सही आंसर दिया. आयुष प्रकाश, सही आंसर क्या है? पैसा. एग्री करते हो क्या? नहीं करते हो? नहीं सर, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, माँ बाप का नाम रोशन. अबे सरहद पे जाकर हम भी वही कर रहे हैं जो सरहद पे सैनिक करते हैं. यस वी आर सर्विंग अवर नेशन, यस वी आर डूइंग जॉब, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टू अर्न मनी. एंड यू गाइस हैव बीन वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली. And I can tell you from my life that yes, CA can give you a chance to earn lot of money. एक चीज समझना, CA की डिग्री से पैसा नहीं मिलेगा, ये अभी भी बता रहा हूं, पर CA की डिग्री से पैसा कमाने का मौका मिलेगा. मैं जब पढ़ता था CA फाइनल में, ठीक है, अभी 6 महीने मैं आपके साथ हूँ, ग्रुप वन में भी हूँ, ग्रुप टू भी हूँ, बहुत सारी बातें करेंगे. CA फाइनल में जब मैं पढ़ता था ना, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था कि बस एक दिन CA बन जाओ, देखो ऐसे नोटों की बारिश होगी, ऐसे ऊपर से गिरेगी. आज तक मैं ऊपर रोज देखता हूं, एक अंडा, एक बूंद नहीं गिरी है. लेकिन जब बाद में रियलाइज होता है तो पता चलता है कि नीचे बड़ा सा समुंदर जमा हो चुका है बिना किसी बूंद के गिरे, और उसका पूरा के पूरा क्रेडिट जाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. आई अडोर माई प्रोफेशन, आई रिस्पेक्ट माई पैशन, आई सल्यूट माई इंस्टीट्यूट, एंड आई प्राउडली से दैट आई एम प्राउड टू बी अ चार्टर्ड. जीवित मृत्यु सब मिलाकर इंडिया में मात्र 3,17,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. आपको पता है भारत की जनसंख्या 137 करोड़. भाई साहब आपको पता है हम लोग फ्रैक्शंस में हैं, वी आर इन फ्रैक्शंस. अगर 10,000 लोगों को लाइन में खड़ा किया जाए और उनसे पूछे कि तुम में से कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपको सिर्फ 2 या 3 लोग मिलेंगे जो 10,000 में से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. जरूरत सबको है, पर सब कोई सीए नहीं है. मैं ये नहीं कह सकता कि सबको पकड़ पकड़ के सीए बनाओ. मैं ये कहना चाहता हूं जितनी इंपॉर्टेंस मेडिकल प्रोफेशन की है, जितनी इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग प्रोफेशन की है, लॉ प्रोफेशन की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस सीए प्रोफेशन की भी है. मैं आपको ये सीरियसली आज रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि आप एक ऐसा कोर्स करने जा रहे हैं दोस्तों जिसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है. आई डोंट नो मुझे ये स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बट एज अ जनरल कैटेगरी, एज एन ओपन कैटेगरी, आई रियली फील द पिंच ऑफ आरक्षण समटाइम्स. मैं किसी का अधिकार नहीं मानना चाहता हूं, भूल जाऊंगा एक मिनट बोल रहे, मैं किसी का अधिकार नहीं मानना चाहता हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं आपको नहीं लगता है एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन डिजर्वेशन? जैसे कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम में क्या है? डिजर्वेशन ही तो है. आप मैच खेलो, आप रणजी खेलो, आप अंडर-19 के लिए आप परफॉर्म करिए. जब आप खेलते हैं आपको हजारों लाखों लोग देखते हैं, और अगर आप परफॉर्म करते हैं ना तो आपको मौका मिलेगा टीम इंडिया की जर्सी पहनने का. सीए इज द कोर्स वेयर देयर इज डिजर्वेशन, देयर इज नो रिजर्वेशन. यस सर. ये एक बड़ा रीजन. दूसरा रीजन मैं आपको देता हूं सर, आज आपको पता होगा कहीं ना कहीं आपने मेरा कोई वीडियो रील कहीं देखा होगा. दूसरा रीजन मैं आपको देता हूं, सीए ये जो कोर्स है ना, दिस इज अ कोर्स वेर यू अर्न व्हाइल यू लर्न.
आप कोई भी डिग्री उठा लो आपको लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है. लेट्स कंपेयर विद एन एमबीए. इफ यू डू एमबीए फ्रॉम अ गुड कॉलेज यू हैव टू रियली अपनी जिंदगी भर की कमाई निकालनी पड़ती है. सी इज द कोर्स वेर यू कैन एक्चुअली अर्न वाइल यू लर्न. इट डिपेंड्स कि आप आर्टिकलशिप कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, किस जगह से करते हैं, ये पूरी तरह उस पर डिपेंड करता है. एक रिसर्च किया गया था तिहाड़ जेल में कैद हुए हुए कैदियों पे, प्रिजनर्स से, कि एक प्रिजनर, एक क्रिमिनल की मेंटालिटी क्या होती है. जब वो कोई क्राइम करता है, जब वो कोई भी चीज करता है, तब आखिर उसके दिमाग में कौन सा केमिकल लोचा होता है जिसकी वजह से वो ये चीज करता है. तो उसका आउटकम पता क्या निकला कि मैक्सिमम क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं वो अपने जरूरतों के आगे मजबूर होकर क्राइम करते हैं. और जरूरतें पता क्या है, पैसा. लोग कहते हैं कि पैसे जो है ना आपको खुशी नहीं दे सकते. चलो मैं अग्री करता हूं, पार्शियली अग्री करता हूं. पैसे खुशी नहीं दे सकते, लेकिन पैसे वो सारी चीजें खरीद सकते हैं जिससे आपको तकलीफ ना हो, जिससे आपको दुख ना पहुंचे. डू यू एग्री विद मी? और अगर तकलीफ नहीं पहुंचेगी, दुख नहीं पहुंचेगा, तो खुशी तो ऑटोमेटिकली होगी. तो ज्योमेट्री की भाषा में हैंस प्रूव मनी कैन पार्शियली बाय हैप्पीनेस. एंड आई एम टेलिंग यू, देखो दुखी तो हर एक इंसान है, लेकिन हर एक इंसान के दुख की इंटेंसिटी अलग है. तो अगर आज आप लोग यहां इस क्लास में बैठे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा, खुद से प्लेज करो कि अगले 8-9 महीने मैं एक किसान की तरह मेहनत करूंगा, मैं एक सिपाही की तरह मेहनत करूंगा. अरे मैं किसी और की तरह नहीं, मैं अपने मम्मी पापा की तरह भी अगर मेहनत कर लूं तो मैं आपको ये वादा देता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आप में से यहां बैठा हर एक इंसान सीए इंटरमीडिएट तो आराम से क्लियर कर लेगा. कल मुझे कोई मिला था, मुझसे कहता है कि सर मेरा सीए फाउंडेशन जो है ना 3 अटेम्प्ट में निकला है, मुझे लगता नहीं मेरा इंटरमीडिएट हो पाएगा. आई एम टेलिंग यू इट इज अ रॉन्ग वे टू कम टू एन कंक्लूजन. प्लीज डोंट डू दैट. अपने अतीत से अपने भविष्य को जज मत करो. अपना भविष्य जो है वो आप अपने वर्तमान से लिखते हैं, अपने अतीत से नहीं लिखते हैं. मैं यहां पर बैठे हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं, मुझे आपके अतीत से कुछ लेना देना नहीं. आप डायरेक्ट एंट्री से हैं, आप फाउंडेशन रूप से हैं, आप टॉपर हैं, डफर हैं, आप रैंकर हैं, नॉन रैंकर हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कौन से स्टेट से नहीं फर्क पड़ता. मैं अगले 3 दिन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इसी क्लास में पढ़ाऊंगा. इंटरमीडिएट की बैच में मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की रिवीजन लूंगा. तो चाहे कोई बच्चा कई साल पहले अकाउंटिंग पढ़ के क्यों ना आया, अगर वो भूल चुका है तो भी उसका एक ब्रशअप हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आगे पढ़ना है. एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में. वैसे तो ऑलमोस्ट 160 to 180 आज हम लोग साथ में रहेंगे, आप मुझे जान जाएंगे. My name is Anjul Agrawal. I am born in Jodhpur, Rajasthan. I have done my CA and my education from Pune, Maharashtra. And then I was staying in Bangalore for 3 years and recently shifted to Indore. I am founder and director of Ekagrata. इससे पहले मैं Unacademy में director था. मैंने CA और CS दोनों एक साथ किया है. First attempt में किया है और बहुत proud से कहना चाहता हूँ मैंने graduation नहीं किया, BCom नहीं किया. Besides being a chartered accountant, I'm a Josh Talk speaker, lifestyle blogger, and a motivator. I teach CA Foundation Accounting, Intermediate Advanced Accounting, and paper number 4, Cost and Management Accounting, which is now in Group 2. मेरी जिंदगी में मैं ये 3 success mantras पे believe करता हूँ, and that is patience, trust, and self-reliance. That's all. And trust me, guys, ये बहुत difficult है follow करने के लिए. It's not easy at all. Not at all easy. But अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, आई एम चैलेंजिंग यू, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. सबसे पहले तो यार मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप लोग इंटरमीडिएट में आ गए, है ना. कुछ लोग फाउंडेशन रूट से आए हैं, कुछ लोग ऐसे पीछे के दरवाजे से आए हैं. इस बार को सही मौका मिला कि अगर आप फाउंडेशन December 23 क्लियर नहीं हुए हैं तो भी आप इंटरमीडिएट November 24 दे सकते हैं. थैंक्स टू ICI इंस्टीट्यूट लेके आया डायरेक्ट एंट्री रूट, पीछे के दरवाजे से आ जाओ. सो अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. यू गाइस आर दोस 30% लकी पीपल हु हैव पास्ड आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट एट ऑल इजी.
तो अपनी सक्सेस पे सेलिब्रेट करना बनता है, लेकिन घमंड बिल्कुल मत करना, बिकॉज फाउंडेशन एक ट्रेलर था, एक टीजर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने डिस्कशन का पहला पार्ट चालू करता हूं। वी विल डिस्कस अबाउट द सीए इंटरमीडिएट कोर्स। व्हाट इज सीए इंटरमीडिएट कोर्स, क्विकली ब्रश अप करेंगे। आईसीए का सीए कोर्स जो है ये किसी कॉलेज में कंडक्ट नहीं होता, ये कोर्स करने के तीन लेवल्स होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। फाउंडेशन लेवल आप लोग क्लियर कर चुके हैं, इंटरमीडिएट में आप लोग हैं। ये पता होना चाहिए कि सीए कोर्स में एंट्री के दो रूट्स हैं, एक है फाउंडेशन रूट और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। आपका जो इंटरमीडिएट की एग्जाम है, इस एग्जाम में टोटल 6 पेपर्स होते हैं। द पेपर नंबर 1 इज एडवांस्ड अकाउंटिंग, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों। पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट लॉस, LLP एंड अदर लॉस। काफी रीशफलिंग हुई है इस पेपर में। सो ऑफलाइन में यहां इंदौर में पढ़ा रहे हैं आदर्श जोशी सर, और ऑनलाइन में सीए अभिषेक बंसल सर फ्रॉम मुंबई एंड इवन आदर्श जोशी सर इज टीचिंग द सब्जेक्ट। पेपर नंबर 3 टैक्सेशन। अब इस पेपर को एक नहीं दो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, डायरेक्ट टैक्स एंड GST इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे एकाग्रता में दो टीचर्स हैं, सीए निशांत कुमार सर जो ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, और सीए मोहित पाटीदार सर जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। पेपर नंबर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू। पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ाएंगे अभिषेक बंसल सर, सो ही विल बी ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई when your group 2 batches will be going on. And paper number 6 is financial management and strategic management. What an amazing paper. I'm telling you, even though I'm teacher of advanced accounting costing, but I also like this subject. Because ye subject aapko sikhata hai ke aapko apne paiso ko manage kaise karna hai. Aur ye jo dusra subject hai na, strategic management, ye aapko jo strategy sikhata hai, trust me guys, ये आपको पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली। मैं पर्सनली एक चीज मानता हूं, टेल मी, आप अपने फाउंडेशन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे बताइएगा, आपको नहीं लगता कि सीए की पढ़ाई करना एक चेस के गेम के बराबर है? इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम ऑफ अ चेस। ऐसा हुआ है किसी के साथ? ये अंधी पट्टी में निकल गया सीए फाउंडेशन, बताओ किसी का? ऑनेस्टली बताओ, मतलब बता सकते हो आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड पे नहीं डालेंगे ऐसा? मतलब सीए फाउंडेशन की एग्जाम के लिए कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी कुछ करी है? ये ऐसे ही निकल गया। हाँ जी सर, दिन में खेती करते थे और रात में पढ़ाई, तो आपने सेल्फ स्टडी की है फाउंडेशन, तो आप कैसे समझते थे कॉन्सेप्ट्स को, किस तरीके से? यूट्यूब से पढ़ते थे, मेरी वीडियोस देख के। भाई साहब अमेजिंग यार, हैट्स ऑफ टू यू मैन, हैट्स ऑफ टू यू। दिन में खेती करना, रात को पढ़ना, है ना, और YouTube से पढ़कर निकालना, अमेजिंग है। और किसी ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो? मतलब मैंने जो गाना बनाया ना, इसमें सूट था, आओ सुनाता हूं तुम्हें एक कहानी। एक था परिंदा जिसने बदली जिंदगानी, बीकॉम MBBS की फीस नहीं थी, तो फिर देखा उसने सपना सीए बनने की तानी, दोस्त लड़कियां घुमाते और मैं करता था पढ़ाई, फाउंडेशन के बुक्स में मेरी वाट लगाई। बहुत बढ़िया भाई। और किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? यार ऑनेस्टली बताओ, ये प्लानिंग नहीं करी कभी? यस, 60 डे स्टडी स्ट्रेटजी, 30 डे स्टडी स्ट्रेटजी, मैराथन स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग का पार्ट नहीं है तो क्या है? ये सब अब आपको बिजनेस के सेंस में पढ़ना है, इन द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। भाई साहब, धंधा कैसे चलाना है, धंधा कैसे बढ़ाना है, ये सोचना पड़ेगा, वो आप यहां पे सीखेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें, पासिंग क्राइटेरिया सेम है जो फाउंडेशन में था, वही है। पासिंग क्राइटेरिया 40% सब्जेक्ट वाइज, 50% एग्रीगेट। एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड ओवर द स्पैन ऑफ 15 डेज, अल्टरनेटिव डेज पेपर होता है, 2 मई 2 नवंबर डेट्स फिक्स्ड है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे इस साल एग्जाम पोस्टपोन होगी मई की बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, 2nd मई से 3rd मई से डेट्स अनाउंस है बट पोस्टपोन होगी, एक कंफर्म है। हर पेपर में 30 मार्क्स के MCQs है, ध्यान से समझना, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। खुश मत हो ना जय जिनेन्द्र, क्यों? आपको लगे वाह 40 चाहिए सब्जेक्ट में पास होने को, 30 तो अपने जेब में है बेटा। ये MCQ सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा रुलाएंगे,
सर आपको नहीं लगता आप हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ लगना क्या, मैं तो 100% तोड़ रहा हूँ। सर आपको नहीं लगता पहले दिन थोड़ा मोटिवेशनल बोलना चाहिए, ऐसा बूस्टर होना चाहिए? अब मैं पहले दिन सच दिखा रहा हूँ भाई, ताकि डेमो के बच्चे डिसाइड कर ले डेमो में ही बैठना है या और भी कहीं जाना है, समझ रहे भाई? हकीकत की बात है, लेट्स टॉक रियलिस्टिक। लेकिन ये एमसीक्यूज आप टैकल कर सकेंगे कब? अगर आप हर कंसेप्ट को समझेंगे तो। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझ पाए तो एमसीक्यू टैकल नहीं होगा। एक सवाल पूछता हूं, कॉमन सेंस बेस्ड, ठीक है? लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। आप जब कोई कुरियर करते हैं तो आपने अगर कोई पार्सल कुरियर करना है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, तो जो कुरियर वाला चार्जेस आपको बताएगा वो चार्जेस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक एक करके बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस, ओके, वन आंसर आई गॉट डिस्टेंस, सेकंड वेट, ओके, और हाँ आपको कितनी जल्दी करना है, बहुत बढ़िया, सरफेस और एयर कहा जाता है उसे, ओके। एक बहुत अच्छा आंसर ओरिजीत दास गुप्ता ने दिया, ऑनलाइन स्टूडेंट ने, वॉल्यूम साइज, इजंट इट? काफी बार प्रोडक्ट का वेट कम होगा पर उसका साइज बड़ा होगा तो वो जगह ज्यादा घेरेगा। और बताइए, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया है, और बताइए एक एक आंसर और मैं ढूंढ रहा हूं। थिंक, ये देखिए यश मेहरोत्रा ने आंसर दिया ऑनलाइन, वैल्यू ऑफ आर्टिकल, डू यू अग्री विद मी? यस, अगर आप महंगे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसका चार्जेस ज्यादा लगता है, अगर सस्ते गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो तो चार्जेस कम लगता है। ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को जब आपने समझ लिया तो आप समझिए कि आपका दिमाग चलना चालू हो गया। जैसे मैंने कहा था वॉल्यूम, हाँ अच्छा, हाँ वॉल्यूम, बड़ा पैकेट ज्यादा चार्जेस, छोटा पैकेट कम चार्जेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो कितना अमेजिंग है, कभी कभी एकदम छोटा पैकेट उसके कुरियर चार्जेस बड़े पैकेट से ज्यादा होंगे, वो छोटा पैकेट हल्का होगा तो भी ज्यादा होंगे। अरे भाई छोटे पैकेट में अगर मैं 1,00,000 रुपए की कोई मोबाइल फोन या कोई महंगी चीज भेज रहा हूं तो उसके कुरियर चार्जेस ज्यादा नहीं लगेंगे? यस, उस पर लिखा होता है ना, हैंडल विद केयर, इंपॉर्टेंट। सो ये समझना पड़ेगा, ये 30 मार्क्स के एमसीक्यूज टैकल हो सकते हैं अगर आप हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो। तो आज से ही पहले से अपने अंदर ये हैबिट डालिएगा कि मुझे हर कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट, आर्टिकल ट्रेनिंग कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर यू पास बोथ द ग्रुप्स, सिर्फ एक ग्रुप के पास होने पे नहीं होगा। सर फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, है ना, हैंडल विद केयर। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी डन रजिस्ट्रेशन ऑफ सी इंटरमीडिएट? वेरी गुड, जिसने नहीं किया बेटा जी, आज की डेट है 20th of February, लास्ट डेट क्या है? 1st of March। कहां पे करना है? आईसीआई की वेबसाइट पे, एसएसपी पे, और फीस कितनी है? 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज। क्लियर सर? एक बात बताइए, अगर मैं 1st March तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो क्या होगा? हो, इंस्टीट्यूट कहेगा वेर देर इज विल देर इज वे, आफ्टर नवंबर अगेन देर इज वे, आ जा बेटा मई में आ जा। सर एक बात बताइए, अगर मैं अभी रजिस्टर करता हूं बाय चांस और मुझे नवंबर एग्जाम नहीं देनी, आई वॉन्ट टू स्किप, ऐसा भयानक खौफनाक ख्याल लाना मत मन में, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई वॉन्ट टू स्किप नवंबर 24 एंड वॉन्ट टू अपियर फॉर मे 25, कैन आई डू सो? आंसर इज येस। आप कौन सी एग्जाम देंगे ये क्या डिसाइड करता है? एग्जामिनेशन फॉर्म डिसाइड करता है। आपका एग्जाम फॉर्म आएगा अगस्त सितंबर 2024 में। सर मेरा एक सवाल है आपसे, बताइए सर मैं एक ग्रुप दू या दो ग्रुप दू, मार खाओगे? हाँ सर आ जाओ इधर। ये सवाल आपको अभी सोचना ही नहीं है मेरे भाई, यू नीड नॉट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन टुडे। इस सवाल के ऊपर चर्चा होगी और ये चर्चा मैं खुद आपसे कह रहा हूं मैं चालू करूंगा इसी क्लास में 5 मई 2024 के बाद, तब तक चर्चा नहीं होगी। अगर कोई बच्चा नवंबर 24 में एक ग्रुप देना चाहता है तो भी वो आज इसी तरीके से ऐसे ही शुरुआत करेगा जैसे दोनों ग्रुप के बच्चे करते हैं। इस चीज पे डिसीजन आपको लेना है 31 मई के बाद। क्यों? आई विल टेल इन माय प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द मीनिंग एंड बेनिफिट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ।
क्या मतलब होता है सेट ऑफ का? पहली बात, अपने दिमाग से ना एक चीज निकाल दो कि दो ग्रुप होते हैं। अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि मुझे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 6। दैट्स ऑल। मुझे 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पूरी जी जान लगानी है 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने। और ये 6 सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने? पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पढ़ के साइड में रखेंगे, फिर दूसरे 3 सब्जेक्ट पिकअप करेंगे। जब ये दूसरे 3 सब्जेक्ट्स पिकअप करेंगे तो पहले 3 सब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करते रहेंगे? रिवाइज करते रहेंगे। अगले 8-9 महीने का सफर आसान नहीं होगा, मैं अभी बता रहा हूं, पर मैं आपको एक वादा कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल है और सिर्फ आपकी लाइफ में ही हार्डवर्क है, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। आपके टीचर्स भी उतनी मेहनत करेंगे जितनी मेहनत आप करते हैं, तो आपको भी उतनी मेहनत करनी है। What makes difficulties, ये मेहनत आपको रोज। कोई चीज कभी कभी करते तो अच्छा लगता है ना, बट वही चीज आपको रोज करनी। कपिल शर्मा अपने जोक्स पे खुद नहीं हंसते होंगे क्योंकि उनके लिए वो डेली का काम है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपने जोक्स पे नहीं हंसता है, बट वो भी प्रिपेयर करता है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन साफ कह देता है, जब शो चालू होता है ना, तो साफ कह देता है कि जो जो मेरा लोग ये अभी शो अटेंड कर रहे हैं ना, अगले 2 साल तक अटेंड मत करना। आपको पता है क्यों? क्योंकि अगले 2 साल तक वो यही स्क्रिप्ट हर शो में बोलने वाला है। तो अगर आपने उसका दोबारा शो अटेंड किया तो आपको वही कंटेंट मिलेगा, कुछ नया कंटेंट नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? कोई नया कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको पॉइंट समझना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज सक्सेस इज नॉट अचीव व्हेन समथिंग इज डन ओकेजनली। मेरी बात ध्यान से सुनना, सक्सेस इज डन व्हेन समथिंग इज डन रेगुलरली, निरंतर। जब आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तब आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, जब आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हो ना, पूरे 6 पेपर्स, तो इंस्टीट्यूट आपका रिजल्ट टोटल में से निकालता है। आपको सब्जेक्ट वाइज 40% लाना है और एग्रीगेट आपको लेके आना है कितना? 50%। आपके जो 6 पेपर्स हैं, उन 6 पेपर्स में से कुछ पेपर्स प्रैक्टिकल है और कुछ पेपर्स थ्योरेटिकल है। लेट्स कैलकुलेट, ठीक है? पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, पेपर नंबर 2 लॉ थ्योरेटिकल है, पेपर नंबर 3 टैक्सेशन प्रैक्टिकल, पेपर नंबर 4 कॉस्टिंग प्रैक्टिकल। मतलब पहले 4 पेपर में से 3 पेपर प्रैक्टिकल है और एक ही थ्योरी है। पेपर नंबर 5 थ्योरी, ऑडिटिंग इज थ्योरी। ओके, तो अभी तक 5 पेपर में से 3 प्रैक्टिकल, 2 थ्योरी, मतलब 300 मार्क्स प्रैक्टिकल, 200 मार्क्स थ्योरी। नाउ पेपर नंबर 6 FM NSM, इसके अंदर 50 मार्क का FM है प्रैक्टिकल और 50 मार्क का SM है थ्योरी। इसका मतलब है आपके जो टोटल 600 मार्क के पेपर्स है, उसमें से 350 मार्क, 350 मार्क इज फॉर प्रैक्टिकल एंड 250 मार्क इज फॉर थ्योरी। समवन में भी गुड इन थ्योरी, समवन में भी गुड इन प्रैक्टिकल। डू यू एग्री विद दिस? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर गुड विद नंबर्स? प्रैक्टिकल, थ्योरी खोपड़ी में घुसती नहीं है, प्रैक्टिकल जितना करवाना है करवा लो। देखो कितने लोगों ने हाथ ऊपर किए, मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि यू कैन स्कोर मोर मार्क्स इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एज कंपेयर टू थ्योरी। लेट अस पुट अप द वैल्यूज, 60-40, 60 मार्क्स मिलेंगे जिसमें मैं अच्छा हूं, 40 मार्क्स मिलेंगे जिसमें मैं अच्छा नहीं। 40 तो लानी पड़ेगी ना, मजबूरी है, 39 पे तो गिल्ली उड़ जाएगी, है ना, 40 तो लाना ही पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू फील यू आर गुड इन थ्योरी? आपको किसी में फील गुड नहीं होता है प्रैक्टिकल भी? हाँ, अच्छा आपने प्रैक्टिकल बोला, मैंने कहा किसी में फील नहीं हो रहा सर, आज से फीलिंग स्टार्ट होगी। कुछ लोग होते हैं एकदम रट्टू पोपट टाइप, कुछ भी दे दे मास्टर जी आप हमें दे दीजिए, नहीं हमें समझना नहीं है, हम रट लेंगे, आप हमें बता दीजिए, फिर वहां जाकर चमत्कार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समवन आर वेरी गुड इन थ्योरी, माई गुडनेस, माइंड बॉगलिंग, यू रीड देयर आंसर्स एंड यू विल गेट टू नो। हाय ना, ये मॉड्यूल तो नहीं उठा के लिया यहाँ पे, कैसे लिखा है इसने, ऐसे है विचित्र लोग होते हैं। देखना, वेन यू आर गुड इन थ्योरी यू हैव मोर कॉन्फिडेंस टू गेट मोर मार्क्स इन थ्योरी। सो कैन आई से दैट एवरीवन कैन नॉट गेट 50 50 50 50 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट? आंसर इज नो। कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा मिलेंगे, कुछ में कम मिलेंगे। वॉट इफ अगर ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले, मतलब लेस देन 150, एग्रीगेट अचीव नहीं हो पाया, तो रिजल्ट क्या लग जाएगा? FAIL, फेल। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप से एक साथ देते हैं, लुक एट द केस ई,
दोनों ग्रुप्स अगर आप एक साथ देते हैं तो किसी सब्जेक्ट में ज्यादा और किसी सब्जेक्ट में जब कम आएगा तो आपका दोनों ग्रुप्स का रिजल्ट लगेगा PASS पास. दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ. दूसरा टर्म जो आपको समझ में आना चाहिए वो है एग्जम्पशन. इंस्टीट्यूट कहती है अगर किसी भी सब्जेक्ट में 60 मार्क के ऊपर मिल गए तो आपको वो सब्जेक्ट दोबारा देने की जरूरत नहीं है, वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इफ यू अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर देन एंड देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर मेरिट रैंकिंग. AIR सर फाउंडेशन में तो नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी, इंटरमीडिएट में मिलती है. कितनी रैंक्स होती है, 50 रैंक्स. AIR 1 से लेकर AIR 50 तक. मैं आपके सामने कुछ रीसेंट स्टैट्स लेकर आया हूं, चेक कीजिएगा. May 2023 ऑल इंडिया रैंकर 1 Y Gokul Sai Srikar from Hyderabad and score was 688 out of 800 marks. आपकी एग्जाम कितने मार्क्स की है, 600. तो हमें तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा, जरा निकालिए इसका परसेंटेज. टेक ऑन योर कैलकुलेटर्स ऑल ऑफ यू. 688 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 100. हाउ मच, 86. इसका मतलब समझ रहे हो, अगर मुझे AIR 1 लाना है तो मुझे कितने परसेंट टारगेट करना पड़ेगा, 86. चलिए नवंबर 23 के AIR का परसेंटेज निकालिए जरा. 691/800 अगेन 86 के आसपास है. मतलब एक बात तो निश्चित है कि दोस्तों 86 के आसपास AIR 1 कहीं मिलेगा. तो सर AIR 50 कहां मिलेगा, मैं आपको आंसर देता हूं 75. अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना दोस्तों. हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना चाहिए, 40 मार्क, है ना. दिल से सुनना, दिमाग से नहीं, और नींदे उड़ाकर सुनना, 40 मार्क. एग्रीगेट कितना चाहिए पास होने के लिए, 50 मार्क या 50 परसेंटेज भी कह सकता हूं मेरे भाई. 50% तो तेरे को वैसे भी लाने हैं पास होने के लिए, तो मेरिट के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी कितनी है, 25%. AIR 50 आपको 75-77 के आसपास मिल जाएगा कहीं ना कहीं. तो मार्जिनल एफर्ट देखो, इंक्रीमेंटल एफर्ट देखो, आपको कितने करने हैं, 25-30% एफर्ट्स का. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया AIR के अलावा एक और अचीवमेंट डिस्क्लोज करती है और वो है नेशन वाइड सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स. कि भारत में, इंडिया में किस अटेम्प्ट में, किस सब्जेक्ट में, किस स्टूडेंट ने टॉप किया है, हम उसको तो टारगेट कर सकते हैं भाई. सक्सेस ऐसी होनी चाहिए कि उसकी गूंज मीलों तक जाए, कई सालों तक जाए. कि भाई साहब सिर्फ सीए नहीं बने, कुछ बड़ा अचीव कर सीए बने हैं. तो एक मिशन आज, एक सपना आज मैं आप लोगों को दिखाने आया हूं कि एक सपना आपको देखना है. इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में समझने के बाद अब हम आते हैं पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग के ऊपर. बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर चुके हैं, मुझे लिख भी चुके हैं कि सर ये न्यू सिलेबस क्या है, ये ओल्ड सिलेबस क्या है. मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं. आप अगर ओल्ड सिलेबस में भी होते थे तो भी आपके लिए सब कुछ नया था, सी इंटरमीडिएट नया था, और अब नए में हो तो भी नया है. तो हाउ डज इट मैटर्स टू यू ओल्ड और न्यू, कुछ फर्क पड़ता है नहीं. हमें पढ़ना है, जो भी है हमें पढ़ना है. पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो पेपर है, मैं इसको ना गेम चेंजर पेपर मानता हूं. क्यों, उसका लॉजिक समझना. द फैक्ट के आप अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी एग्जाम देने जा रहे हैं. आप में से काफी ऐसे बच्चे जो आज तक कभी किसी एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं, कभी भी नहीं. बचपन में तो कौन ही फेल होता है बताओ, कभी ऐसा सोचा मैं थर्ड स्टैंडर्ड में फेल हो गया, नहीं. आसर आज मेरा बहुत मन हो रहा, फोर्थ में फेल होकर आ रहा हूं मैं. फाउंडेशन में शायद किसी ने फेलियर देखा हो, बट हो सकता है आप में से काफी लोगों ने तो वो भी ना देखा हो. अब जब आप इंटरमीडिएट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद का प्रेशर होता है खुद के ऊपर, बस इस बार तो निकाल रही है इंटरमीडिएट. फिर थोड़ा मां बाप का भी प्रेशर होता है, बोलते नहीं है बट ऐसे कभी कभी इनडायरेक्टली बोल भी देते हैं, हाँ देख लेना बेटा निकाल ही लेना, बहुत पैसे लगे हैं पापा के, है ना, देख लेना बेटा. फिर क्या, पार्टिकलशिप अगर चालू हो जाएगी तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, कर लेना. फिर दोस्तों का प्रेशर, अच्छा दोस्त तो बहुत ही ज्यादा नालायक होता है, तेरा क्या है, तू तो ऐसे ही पास हो जाएगा,
क्यों मैं झाड़ पे लगाऊं, मैं ही पास हो जाऊंगा। तू तो बहुत होशियार है, उनका तो काम ही है चने के झाड़ पे चढ़ान टप करने से गिरा देना। फिर आते रिश्तेदार, बुआ फूफा मामा ताया ताई मौसा, और भी नाम लूं कि यही बहुत है। इनका दबाव, इनका दबाव पैसिव वॉइस की तरह आता है, माँ बाप से घूम के आता है। और कैसे चल रही है पढ़ाई आदित्य की? सुना है इंदौर गया है, हमारे पटना में का क्लासेस नहीं है क्या सीए की? हाँ काहे भेजो इतना दूर अपने मुन्ना को इंदौर में क्लासेस, पढ़ी रहा है वहां पे क्या? किसी की मुनिया को लेकर घूम रहा है? रिश्तेदारों का तो भैया लॉजिक ही अलग होता है, समझ में आ रहा है? लॉजिक ही अलग होता है। होता है क्या आदित्य ऐसा घर पे कुछ? आपको थोड़ी पता नहीं क्या? पेरेंट्स बहुत, पेरेंट्स एक दीवार की तरह खड़े होते हैं ऐसे लोगों के सामने, देखना ये बातें फिल्टर करके आपके पास आती है, नहीं तो आती ही नहीं है। आप खुद जब खोते हो ना, क्या बोल रही थी बुआ जी? नहीं नहीं क्या बोल क्या रही थी? नहीं कुछ नहीं बोल रही थी, बस पूछ रही थी बेटी को आशीर्वाद। प्रेशर होता है ना, आपको पता है ये पूरा प्रेशर जाकर मेरे पेपर पे निकलता है, पहले पेपर पे निकलता है, इसीलिए इमोशनल अत्याचार होता है इस पेपर में। आपको पता है ये एक पेपर नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, ये पेपर पूरी एग्जाम का प्रेशर रहता है आपके ऊपर। ट्रस्ट मी, आपने फाउंडेशन अकाउंट्स में भी तो देखा होगा, मतलब फाउंडेशन अकाउंट्स में ससुरा तोहर खोपड़िया में वो लॉ भी आ रहा है, वो दूसरा सब्जेक्ट का नाम है उसका मैथमेटिक्स भी आ रहा है, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आ रहा है, क्या क्या आ रहा है भाई। लास्ट पेपर इकोनॉमिक्स देखो, आए हाय बच्चे तो इकोनॉमिक्स के पहले हॉलीडे बनाना चालू कर देते हैं। देखो एक तो पेपर का खुद का नेचर ऐसा, 2 घंटे का पेपर बच्चा घंटे भर में करके बाहर निकल लेता है, और दूसरा उसमें है ही क्या, मतलब होगा बट लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, क्यों किसी के चीतड़े उड़ाए, ठीक है इट्स ओके। बट एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर में ऐसा नहीं है, सिलेबस बहुत है, सिलेबस बहुत है, और उसके आगे और बहुत सारे पेपर है, उन सारे पेपर का तनाव कहां पर आता है? एडवांस्ड अकाउंटिंग में। तो ये पेपर को, या इनफैक्ट ये एग्जाम के हर एक पेपर को आपको पता कैसे लेना है? ये मेरा पहला और आखिरी पेपर है, लेकिन एक वादा मैं आज आपसे करता हूं, देखना कुछ दिनों बाद आप लोग एक अलग चालीसा चालू कर दोगे, और वो है टैक्स चालीसा। मैं जाके पूछा बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बस सर ना वो थोड़ा टैक्स में थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा बेटा मैं ऐसा कभी घूमूंगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो मैं ऐसा घूमूंगा कि भाई क्या पढ़ रहे बेटा आज, खुशी क्या पढ़ रहे हो? सर टैक्स पढ़ रहे। मैं कल फिर घूमूंगा, खुशी क्या पढ़ रहे हो? टैक्स पढ़ रहे। मैं पढ़ तो फिर घूमूंगा, खुशी क्या पढ़ रहे हो? टैक्स पढ़। अबे कभी तो अकाउंट्स पढ़ ले, 24 घंटे क्या टैक्स 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 ही पढ़ेंगे, अकाउंट्स भी तो पढ़ ले। बच्चे की दूसरी एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि किसी एक सब्जेक्ट को इतना ओवर एम्फसिस कर देते हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाता है, आपको उसे मैनेज करके चलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी वजह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने इस बार एक नई चीज की है एकाग्रता ने, फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट अ मेंटोर फॉर यू। हम टीचर्स आएंगे पढ़ाएंगे, हम तो मेंटरशिप करेंगे, लेकिन एक एक्सटर्नल टीचर जो इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ाते हैं, स्वाति मैम, शी विल बी टेकिंग योर मेंटरशिप सेशंस इन इंटरमीडिएट फॉर बोथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट। वो आपके सेशन लेंगे, मे बी लाइक आई थिंक 2 सेशन इन अ मंथ शी डिसाइडेड, महीने में 2 बार आपसे आएंगे, बात करेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे करना है, वो आपको गाइड करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन एक चीज समझना है, हम आपको फैसिलिटी दे सकते हैं, उसका बेनिफिट लेने का काम आपका है। हॉर्स कैन बी टेकन अप टू द वॉटर, ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू ड्रिंक द वॉटर। समझ में आ रहा है? अपनी प्रॉब्लम्स अगर बोलोगे नहीं तो उसका सोल्यूशन कभी निकलेगा नहीं, ये चीज समझना है। तो हमें ना ये 8-9 महीनों में बहुत मूड स्विंग्स होने वाले हैं, मतलब आपके दिमाग में अगर ऐसे कोई तार लगा दे और उसका ग्राफ निकाले ना, तो अभी तो ग्राफ की पट्टी एकदम सी दिया, हाँ क्या बढ़िया जिंदगी एक सफर है सुहाना, फिर कुछ दिनों बाद कैश फ्लो अमालगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर टैक्सेशन आने के बाद तो भाई साहब ये ऐसा 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 ऐसा। कभी कभी ऐसा फील होगा, और मैं बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसा फील होगा कि कनपट्टी कहते हैं ना उसको साइड की,
यहाँ की जो वेन है उसमें आपको ऐसे सेंसेशन फील होंगे, अभी से फील होना चालू हो गए क्या भाई? अभी चालू तो होने दे सिलेबस भाई, ऐसे क्या कर रहा है? वो लफड़े पाले होंगे उसकी वजह से फील हो रहे होंगे। ये प्रिया, ये सुनैना, ये आरती, जूही, उसके फट रहे होंगे, पर अभी तो सब्जेक्ट के वाइज चालू होंगे, समझ रहे? कभी कभी फील होगा ऐसे, इस तरीके से देखना, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल चीजें होगी। 18 की उम्र में 28 की बीमारियां फील होगी, जैसे बैक पेन, नॉर्मल है। मैं अभी पहले दिन सब बता रहा हूं भाई, बिल्कुल नॉर्मल है, इससे घबराना मत, बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए फेस टू फेस में सारी बेंचेस जो है ना, ये मैंने खुद ने डिजाइन की है, इट हैज 105 डिग्री इंक्लिनेशन फॉर योर बैक रेस्ट। दूसरी चीज नेक पेन, काफी बार ऐसा लगेगा ये मेरी गर्दन ही नहीं है, ऐसे लटक। अबे रुक जा, मैं जब पढ़ता था ना, मैंने अपने रूम में दो बेल्ट खरीद के रखे थे, एक तो कमर का और एक गर्दन का। गर्दन का बेल्ट लगा के देखना, ऐसा लगता है स्टैंड पे गर्दन रख दी है। रोज शाम को ऑफिस से आने के बाद गर्दन को स्टैंड पे रख दो, गर्दन अपने आप चलेगी, नीचे किताब देख रहे, ऐसा फील होगा। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ नया नहीं है। दिमाग गर्म हो जाएगा कभी कभी, और ये फैक्ट है। ब्लड सर्कुलेशन जब फास्ट होता है ना तो माइंड गर्म होता है, ये सब नॉर्मल है, इससे डरना नहीं है। एडवांस्ड अकाउंटिंग के आईसीआई के 3 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स आप आईसीआई की वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है जो आपने फाउंडेशन के समय किया था, बट सॉफ्ट कॉपी मैं रेकमेंड करता हूं, यूज करना बेस्ट है। अब आप यहां पे फेस टू फेस क्लास में आ रहे हैं, कैन यू कैरी मॉड्यूल विद यू डेली? अगर मॉड्यूल डेली लाना है तो एक हाथ गाड़ी लगा लो, 4 जने मिलकर हाथ गाड़ी लगा लो, और पूरी क्लास को आना है तो 2 ट्रक का हायर कर लो। सुबह ट्रक आएंगे यहाँ पे मॉड्यूल लेके हॉस्टल से, शाम को ट्रक वापस लेकर जाएंगे मॉड्यूल, 2 एम्बुलेंस भी खड़ी कर दो। सर इतना सच कैसे बोल लेते हो सर? पहले दिन हम दूसरी जगह देखे थे सर, दूसरों के वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, पहले दिन तो सर हमें ऐसा महसूस करा रहे जैसे कि बारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और आप इतना सच बोल रहे हो पहले दिन, क्यों भाई? रोज रोज झूठे बोलने से बेहतर है मैं पहले दिन सच बोलूं ना, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? आई पर्सनली बिलीव, आप मेरी टेबल देख रहे हो यहाँ पे आके, अब तो आप फेस टू फेस में देख सकते हो, एक किताब, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर दिख रहा है यहाँ पे नहीं है, सब कुछ पेपरलेस है। यू गाइज शुड यूज सॉफ्ट कॉपी ऑफ मॉड्यूल, लेट मी टेल यू इट इज द बेस्ट थिंग टू यूज, बिकॉज मुझे ना पर्सनली उसमें कंट्रोल एफ का जो फीचर है ना, फाइंड का, वो सबसे बेस्ट लगता है। आपको मॉड्यूल में कोई भी क्वेश्चन ढूंढना है, कोई भी पैराग्राफ ढूंढना है, आपको एक वर्ड सर्च करना है ना यार, कंट्रोल एफ करके, फोन में भी तो यूज कर सकते हो सर, कहाँ बैठेंगे इतना डाउनलोड करते, क्या कर? मैंने कर लिया, चिंता मत, रो मत, मैंने कर लिया, मैं आपको दूंगा यहाँ, ठीक है? लेकिन इसके अलावा सिलेबस देख लेते हैं। इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग का आपका जो सिलेबस है वो है 7 चैप्टर्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अंडर द न्यू सिलेबस यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी सिंगल टॉपिक, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन निश्चित है, 7 टॉपिक है। ये 7 टॉपिक पुराने सिलेबस में कहीं पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग में थे, कहीं पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग में थे, उसको मिलाकर बनाए गए। हर एक टॉपिक पे 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित है, पेपर पैटर्न में अभी खड़े खड़े बना देता हूं आपके सामने, 10 मार्क्स का मिनिमम, 15 मार्क्स का मैक्सिमम निश्चित है। तो 7 टॉपिक के अगर मैं 10 मार्क भी पकड़ू तो कितने मार्क्स हो गए? 70 मार्क्स, 70 मार्क्स। पेपर 125 का आता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 70 मार्क तो यही हो गए, 30 के तो एमसीक्यू आएंगे, है ना? अब वो 30 के एमसीक्यू मैक्सिमम कहां से बनेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इस बार इंस्टीट्यूट ने एक चीज की है जो पहले कभी नहीं की है, आईसीआई ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिजर्व रखे थे सीए फाइनल लेवल के लिए, अब इंस्टीट्यूट ने वो स्टैंडर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव टू स्टडी। एट प्रेजेंट इन इंडिया देर आर टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, काउंटिंग वाइज 27, नंबरिंग वाइज 29 है, क्योंकि 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बीच में से डिलीट हुए हैं, अबॉलिश हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। पर डरने की जरूरत नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे। मुझे भी अकेडमिक लाइफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पसंद नहीं थे,
लेकिन बाद में जब मैंने मेरा फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया था डेलॉयट में, आई डिड अ पोस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS फ्रॉम ACCA लंदन। सो एक कोर्स किया था मैंने IFRS के ऊपर। जब मैंने वो किया तब मुझे समझ में आया कि जो मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दोस स्टैंडर्ड्स मैं IFRS की एग्जाम भी क्रैक कर पाया। तो मैं आप लोगों को यहां पर यही समझाना चाहूंगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस रखना है। आपने यहां पे 500 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना दोस्त, मान के चलना एग्जाम में 501 वां क्वेश्चन आएगा। अरे बोर्ड की एग्जाम नहीं है जो पिछले 4-5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए कि हम मिल गए 70 मार्क इस बार, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। एंड वॉट इज टेस्टेड, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, वॉट इज टेस्टेड इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि जो नॉलेज यहां पर आप गेन करते हैं वो नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में। और उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि सीए बनने के बाद आपको अपने क्लाइंट को सोल्यूशन देना है। क्लाइंट आपके सामने प्रॉब्लम लेकर आएगा कि मुझे GST की नोटिस आ गई है, मुझे इनकम टैक्स की नोटिस आ गई है, मैं इसका क्या करूं। आप क्या बोलोगे? जब सर ये टॉपिक पढ़ा रहे थे ना क्लास में, मैं उस समय दीदी की शादी में गया था, तो ये टॉपिक ऑप्शन में छोड़ दिया था, गनीमत है एग्जाम तो मैं पास हो गया, तो आई एम सो सॉरी, मुझे ये नोटिस का रिप्लाई करना नहीं आता। ऐसे रिप्लाई करोगे क्लाइंट को? ऐसे रिप्लाई करोगे? नो, नॉट एट ऑल मैन। अगर आपका कभी भी ना पढ़ने का मन हो, और कभी भी मन हो के भाई मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूं, तो हमेशा ये सिचुएशन सोचना कि सीए बनने के बाद अगर ये मेरे ऊपर आया तो मैं करूंगा क्या। आपका एक टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, उसका नाम है कैपिटल बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। वो जो आपका एक टॉपिक है ना, वो मेरा जॉब प्रोफाइल था जब मैं नाइजीरिया में जॉब करता था। कैपिटल बजटिंग इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर सपोज मैं एक डिसीजन लेना चाहता हूं कि मुझे ये प्रोजेक्ट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो उसका डिसीजन मैं कैसे लूंगा? मैं उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करूंगा, राइट? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर कोई भी काम करने में मेरे जेब का पैसा जा रहा है तो क्या मैं वो काम करूंगा? नहीं। कोई भी इंसान लॉजिकली सोचो, कोई भी इंसान काम कब करेगा? जब उसको पैसा मिलता है, बचता है। अपनी जेब से पैसा लगाकर कौन काम करेगा? समझदार करेगा क्या कोई? कभी नहीं करेगा। तो वो चीज आपको सोचनी है। तो बस आपको हर चीज के अंदर का कंसेप्ट समझना है डिटेल तरीके से एंड मल्टीपल रिविजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारा जो सिलेबस है वो ये 7 चैप्टर्स है। हो सकता है इसमें से कुछ चैप्टर्स आपने कहीं कहीं देख रखे, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आप में से कितने लोगों ने पढ़ रखा है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएंगे कैश फ्लो, रेज योर हैंड्स। CBSE बोर्ड में है, राजस्थान बोर्ड में है, ICSE में, MP बोर्ड में है, तो पढ़ रखा होगा कहीं ऐसा थोड़ा बहुत तो साइड में है ना, ऐसा सूंघा होगा किसी ने कहीं पे, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसा हुआ है। अमालगमेशन बीकॉम के अंदर कहीं ना कहीं जिक्र हो जाता है इसका गलती से। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब टॉपिक्स बीकॉम में है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ऐसे जाते जाते टकरा गए होंगे रस्ते में कहीं ना कहीं, लेकिन वो वाली चीजें काम नहीं आएगी। यहां हमें डिटेल तरीके से उसे देखना है और हम लोग देखेंगे। आई हैव प्लान्ड फॉर इट, करेक्ट? बट जैसे मैंने कहा है कि आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, और आप लोगों को हार्मोनाइज करने के लिए कल परसों और उसका अगला दिन नेक्स्ट 3 सेशंस विल बी ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई ये एक्सपेक्ट मत करना कि जनरल एंट्री सिखाऊंगा मैं बैठ के, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट करूंगा मैं कल 10-15 मिनट के लिए, ये भी हरकत करूंगा, डोंट वरी। बट ये नहीं सर वो जरा बता दीजिए सर, वो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जनरल एंट्री क्या होगी? मैं हाथ खड़ा करके पीछे खड़ा करा दूंगा, भाई ऐसे मत करना। बेसिक रिविजन करेंगे हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बात करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे बात करेंगे। आप समझ रहे हो, जिनकी हमें जरूरत है उन चीजों पे बात करेंगे। Is it clear to all of you? सही रहेगा basics of accounts का revision 3 दिन का? जो भी पहले का पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो सब कुछ एक बार क्लियर हो जाएगा, ताकि फिर हम तैयार हो सके हमारे पहले टॉपिक के लिए जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं तो आते ही कल मैंने चालू कर दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, आधे विकेट यहीं गिर जाएंगे। हाँ हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक टीचर ने आपके लिए बुक्स बनाई है, मैंने भी बुक्स बनाई है,
जो भी फेस टू फेस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को आज एंड ऑफ द डे पे बुक्स कलेक्ट करनी है ऑफिस से। जिन लोगों ने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे तरफ से एकाग्रता के तरफ से 500 बुक्स ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी है। बुक्स मतलब सेट, ग्रुप वन का पूरा सेट आ रहा है। तो जिन्होंने दोनों ग्रुप के एडमिशन सब्सक्रिप्शन लिए हैं, आपको अभी राइट नाउ यू विल गेट सेट ऑफ कंप्लीट ग्रुप वन, देन यू विल बी लेटर ऑन गेटिंग सेट ऑफ ग्रुप टू। तो आप आज ऑफिस से कलेक्ट कीजिएगा 5 बजे, क्लियर हो गया? जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी जीएसटी की, उसके बाद आज आपको अटेंडेंस सिस्टम में रजिस्टर करना है। अटेंडेंस लगेगा, क्या बात कर रहे हो सर, वो प्रेजेंट सर, एब्सेंट सर, वो वाला नहीं, हम लोगों ने यहाँ फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लगाया है। क्या बात कर रहे हो सर, अब मैं प्रॉक्सी कैसे लगाऊंगा? तो मुंडी काट के ला दोस्त के साथ में प्रॉक्सी लगाने के लिए। सो वी हैव गॉट अ फेस रिकॉग्निशन एंड थंब रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम ओवर हियर। आपके चेहरे और आपका थंब दोनों रजिस्टर होगा और अटेंडेंस की रिपोर्ट हेड ऑफिस में जाएगी। साथी मैम हेड ऑफिस कहाँ पे हो गए भाई? पेरेंट्स, हाँ, तो वो सब रहेगा। और 5 बजे आपको ये सब काम करना है, 5 बजे से 6 बजे तक मटेरियल्स भी अपने कलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, आप लोगों को आपकी बुक्स डिस्पैच होगी, जब डिस्पैच होगी तब आपको व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप में ट्रैकिंग आईडीज होती है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। टोटल 15 दिनों का समय लगता है सब चीजों का डिस्पैच होने का, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मैसेज, करेक्ट? ये देखिए अंकित मंडल कह रहा है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बिल्कुल, वी आर डिस्पैचिंग अवर बुक्स फ्रॉम डिलीवरी कुरियर, जो है काफी रेप्यूटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो आपको वहां से मिलेगा। मेरी बुक के 3 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 क्लास बुक्स है, जिसमें क्लास वर्क और होमवर्क रहेगा। वॉल्यूम नंबर 3 में आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अलोंग विद सॉल्यूशंस कंपाइल करके एक सेल्फ प्रैक्टिस बुक आपके लिए बनाई। मतलब जैसे मैंने कहा कि पुराने सिलेबस में हमारे पास बहुत कंटेंट था, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, नए सिलेबस में आपके पास क्या है? अभी तक एक आरटीपी आई है सिर्फ, वो भी May 24 अटेम्प्ट की। कोई पीवाईक्यू है? नहीं है। कोई एमटीपी है? नहीं है। लेकिन ये चैप्टर्स तो पहले भी थे ना, तो इन चैप्टर्स पे ओल्ड सिलेबस का जो भी क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस के साथ एक कंपाइलेशन मैंने आपके लिए बनाया है, वो है वॉल्यूम नंबर 3। तो आप चैप्टर खत्म होते ही आप वॉल्यूम 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। आपका पूरा मॉड्यूल कवर किया है मेरी बुक्स में, पूरा मॉड्यूल, एवरीथिंग इज कवर्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस ओल्ड सिलेबस के हैं जो वॉल्यूम 1 और 2 में होने चाहिए, जो हमें क्लास में करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए हैं, जिन लोगों ने वार्म अप बैच अटेंड किया आपको पता होगा वार्म अप में कैसे क्वेश्चंस हमने किए थे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के किस तरीके से क्वेश्चंस किए थे। समझ में आ रहा है? तो आपके लिए कंटेंट की कमी नहीं है। कोई बच्चा मुझे ये नहीं कह सकता कि सर मैं और प्रैक्टिस कैसे करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे वॉल्यूम नंबर 3 में आपकी जानकारी के लिए 100 क्वेश्चंस दिए हैं अलोंग विद सॉल्यूशंस। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आज के सेशन के एंड पे, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, सुबह खाने के बाद, शाम को खाने के बाद, मरने के बाद, मरने से पहले, मैं आपको ऐसा पूरा प्रिस्क्रिप्शन देके जाऊंगा सी इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर करने का, जस्ट हैव अ पेशेंस, करेक्ट? तो तीनों वॉल्यूम सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। सेम थिंग गोज विद माय कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग के भी 3 बुक्स है, वॉल्यूम 1 2 क्लास बुक, वॉल्यूम नंबर 3 सेल्फ प्रैक्टिस बुक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट एजेंडा, एकाग्रता बैच एंड एकाग्रता ऐप। नाउ आई प्रेजेंट ओवर योर द टीम एकाग्रता, द बाहुबली टीम ऑफ एकाग्रता। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी हैप्पी टू शेयर विद दिस दैट ये सारे के सारे जो एजुकेटर्स है ना, they may or may not be the top educators, but they are so hardworking that certainly one day they will be the top educators. हर एक एजुकेटर अपना बेस्ट दे रहा है। लेट मी टेल यू, काफी लोगों को लगता होगा कि यार टीचिंग में कुछ मेहनत है ही नहीं। मतलब मेरे तो रिश्तेदारों को तो लगता ही है 100%। हाँ, अंशुल का तो क्या है, इसका तो काम धंधा अच्छा है। मेरे मोनू को तो देखो, मेरे मोनू दिन में दुकान में बैठता है, माल खरीदने की चिंता, पैसा नहीं आता है, कस्टमर नहीं देता है ना, ऐसा मोटा हो जा रहा है, दिन भर पसीना, खाने पीने का कोई पता नहीं। अंशुल का तो क्या है, तो बस बोलना होता है। आंटी जी जरा बताओ मैं कैसे बोलना होता है। आज मैं सुबह 3 बजे से उठा हूं और इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर लेना, 4 बजे से मैं नोट्स बना रहा हूं। हाँ?
आप पढ़ाते भी थे भाई साहब। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आपको टीचर्स बहुत सारे मिल जाएंगे पर आपको पैशनेटली पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम मिलेंगे। और मैं मेरा इक्वेशन आपको बताता हूं, मैं आज सुबह जतिन सर से भी उसके ऊपर बात कर रहा था कि जितना समय क्लास में लगता है ना इक्वल टू दैट और टू टाइम्स ऑफ दैट टाइम हमें लगता है बिफोर क्लासरूम जस्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस लेक्चर। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है कि नहीं, मैंने आज की क्लास चालू की थी एजेंडा से, आपको मैंने बताया था मैं किस सब्जेक्ट पे कितने मिनट बात करने वाला हूं, एंड लेट मी टेल यू मैं अपने टाइम पे हूं, आई एम एग्जैक्टली ऑन माई एजेंडा और मैं बराबर टाइम पे खत्म करूंगा। मेरा हर एक लेक्चर ऐसे ही प्लान्ड होता है। कंट्रोल्स आर नॉट इजी हियर, वी कांट गो बैक ड्यूरिंग द क्लास। सुमित जैन भाई मेरे को एक बात बता, लाइव क्लास में पीछे कैसे जाएगा? कल तो तू बोलेगा लाइव क्लास में मेरे को लेके आगे चल जाए, हदी हो गई भाई मतलब। और अब देख ले तुम जैन लोगों का, सही है बोल देगा मिचामी दुगड़म है ना, ये सही है यार, बड़े अमेजिंग होते हैं। लाइव क्लास में कैसे जाएगा भाई है ना, थोड़ा तो पेशेंस रख ले, नहीं तो रिकॉर्डेड देख ले। तो आपको ये चीज समझना है, आपको भी ये प्लानिंग रखनी पड़ेगी। मैं आपसे धीरे धीरे करके क्लास में एक डायरी मेंटेन करवाऊंगा, आपकी स्टडी प्लानर डायरी जो आपको मेंटेन करनी है। और कभी भी ध्यान रखना कभी भी ध्यान रखना कि जब आपके सामने चीजें लिखी हुई होती है ना तब आपको डर ज्यादा। ऐसा क्यों होता है कि एडमिट कार्ड आने के बाद हो मेरी एग्जाम आ रही है, अभी तो क्या 6 महीने से अचार पापड़ बना रहे थे, तेरे को पता नहीं 6 महीने से तेरी एग्जाम आ रही थी। पर ऐसा क्यों होता है एडमिट कार्ड आने के बाद डर लगता है? लगा कि नहीं लगा? फाउंडेशन का एडमिट कार्ड, कुछ लोग तो पढ़ाई तक चालू करते हैं, अच्छा एडमिट कार्ड आ गए हैं, चलो बहुत हो गई मजाक मस्ती, हम पढ़ लेते हैं, चालू कर लेते हैं, मम्मी आज से मैं पढ़ाई चालू कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब कोई चीज आपके सामने लिखी होती है ना ब्लैक एंड व्हाइट में, तब जाकर हमें रियलाइज होता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बैच है इंटरमीडिएट नवंबर 24 का बैच है, आप लोग आराम से बैच अटेंड करें। जो फेस टू फेस के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के बैकअप दिए जाएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपको जो बैकअप दिया जाएगा इट विल कम विद अ गैप ऑफ 10 डेज। मतलब क्या? मतलब ये कि जो आज क्लास होगी ना इसका आपको वीडियो बैकअप 10 दिन बाद मिलेगा। क्यों? बहुत सिंपल है, ये बैकअप आपको बैकअप दे रहे हैं, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूटिंग योर फेस टू फेस क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हॉस्टल पे पढ़े रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है आज कहाँ जाना है क्लास उठ के, वीडियो लेक्चर है ना अभी घर पे ही कर लेंगे, हॉस्टल पे ही कर लेंगे, अगर मैं लाइव क्लास दे दूंगा तो ये प्रॉब्लम होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं चाहता हूं कि आप फेस टू फेस के स्टूडेंट है तो फेस टू फेस ही रहे, और जो बच्चे ऑब्वियसली ऑनलाइन ले रहे हैं उनको तो लाइव ही मिल रहा है, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं। भाई अगर तेरे को लाइव ही करना था तो फेस टू फेस काहे को आया, काहे को हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा और ये सब बाकी के खर्चे क्यों? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? बट ग्रेजुअली आपको सब कुछ मिलेगा, बट जस्ट बी पेशेंट। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं हमारा ऐप बहुत सिंपल टू यूज है, एकाग्रता लाइव ऐप। स्टिल इफ यू हैव एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, दो चीजें हैं, 29 फरवरी तक यूट्यूब पर लेक्चर्स लाइव हो रहे हैं, आप मिस नहीं कर सकते, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में कोई भी इशू है तो आपको यहाँ स्क्रीन पे एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिए, IVR नंबर है और ऑप्शन नंबर 3 प्रेस करके आप टेक्निकल असिस्टेंस ले सकते हैं। करेक्ट? क्लियर? सर लाइव का रिकॉर्डिंग कब तक आता है? सलोनी ने पूछा है। सलोनी जैसे ही क्लास खत्म होती है ना तो क्लास खत्म होने के बाद हमको हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर ने टर्न अराउंड टाइम दिया 24 आवर्स का, बट हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है कि 1 से 2 घंटे में लाइव रिकॉर्डिंग जनरेट हो जाती है, तो वो आपको दिख जाएगी वहां पे। करेक्ट? क्लियर? जितने भी बच्चे यहां पर फेस टू फेस वाले हैं, हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाला है सभी स्टूडेंट्स का। व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, मैं खुद भी एडिट नहीं हूं उसमें, सही है मेरे साथ भी सही हो रहा है। तो स्वाति मैम इज योर मेंटर एंड आयुषी मैम इन द ऑफिस इज योर कोऑर्डिनेटर, जो भी चीज होगी आप आयुषी मैम से बात करें, वी ऑल आर योर गार्जियंस, आपको कोई भी प्रॉब्लम होना आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू योर टाइम टेबल, चेक कीजिएगा सभी जने ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स टाइम टेबल आपके सामने। ठीक है, सो टाइम टेबल आप लोगों के सामने है, हम लोग एडवांस अकाउंटिंग के लिए मिलेंगे हर उस सुबह 10:15 से लेके 12:15 तक, 2 घंटे का 120 मिनट का हमारा क्लास होगा। एंड नॉर्मली हम लोग 1 घंटे के बाद एक 5-7 मिनट का ब्रेक ले लिया करेंगे क्लास के अंदर। करेक्ट? एडवांस अकाउंटिंग की क्लास होने के बाद वापस 15 मिनट्स का ब्रेक है, फॉलोड बाय DT डायरेक्ट टैक्स।
तो जो निशांत सर के स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन निशांत सर को देखेंगे, जो मोहित सर के ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मोहित सर से डीटी पढ़ेंगे। डीटी की क्लास होगी 2 घंटे डेली, 12:30 to 2:30 डीटी, उसके बाद में लंच ब्रेक 2:30 से 3:30। एक हफ्ता 10 दिन लगेगा आपकी बॉडी साइकिल को एडजस्ट होने में, है ना। फेस टू फेस वाले बच्चों को बहुत ज्यादा लगेगा, ऑनलाइन वालों को थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि अब आज से आप कॉन्स्टेंटली 8 घंटे की सिटिंग देने वाले हैं, है ना। कुछ लोग हो सकता है अब खाना जल्दी खाते हो आप लोग, लाइक 12-1 बजे, अब वो 2:30 बजे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको इस हिसाब से 15 मिनट का ब्रेक जो दिया है ना, ये आपको समझता है कि आपको छोटे छोटे मील्स बीच में खाते रहना है। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे 2-3 टिफिन लेके आना और छोटे छोटे मील्स बीच में खाते रहना, जो 15 मिनट्स का ब्रेक है वो खाते रहिएगा, और फिर 3:30 से 5 o'clock 1.5 घंटा GST। अब ये GST नॉर्मली तो 5 days a week प्लान्ड है, बट टीचर्स का कहना है कि सर हम शुरुआत में 6 days a week लेंगे, ताकि बाद में कंटिजेंसी अगर कुछ आ गई और क्लासेस ऑफ देनी पड़ी तो बाद में कोई बैकलॉग क्रिएट ना। तो इस तरीके से सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का आपका टाइम टेबल प्लान है। क्लियर हुआ सभी को, ये टाइम टेबल हम ऑब्जर्व करेंगे। जरूरत पड़ने पे संडेज को क्लासेस लग सकती है, ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट, एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस, चेक योर एजुकेटर्स फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर एजुकेटर बिफोर यू सब्सक्राइब फॉर कॉम्बोस, करेक्ट। नाउ दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आप लोगों का जो ऐप है एकाग्रता लाइव ऐप है, जहां हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर का नाम है क्लास प्लस, ये ऐप के अंदर 2 फोल्डर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले फोल्डर का नाम है कंटेंट फोल्डर। जो भी क्लासेस हम लेते हैं और वो क्लासेस एंड होने के बाद रिकॉर्ड होती है, वो रिकॉर्डिंग्स आपको कंटेंट फोल्डर में मिलेगी। उसके अलावा नोट्स आपको कंटेंट फोल्डर में मिलेंगे। जैसे अभी अगर आप देखते हैं, मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के नोट्स अपलोड कर चुका हूं, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन ये जो नोट्स है ये एनक्रिप्टेड नोट्स है। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है ये नोट्स जो है इसको आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल नोट्स नहीं है, एनक्रिप्टेड नोट्स है। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक मिसलेनियस फाइल का फोल्डर बनाया, जिसमें रिवीजन ट्रैकर है, AAA रजिस्टर इंडेक्स है, ये सारी चीजें दी है। कंटेंट फोल्डर में ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जो हमारे पहले के लेक्चर्स है वो आपको मिलेंगे। दूसरा है नोटिस बोर्ड सेगमेंट। नोटिस बोर्ड सेगमेंट में यह है कि अगर मुझे आपसे कोई भी कम्युनिकेशन शेयर करना है, कॉमन कम्युनिकेशन, तो वो जो कॉमन कम्युनिकेशन है वो नोटिस बोर्ड सेक्शन में मिलेगा। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको मेरी, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। आपको भी डेमो देना है, बहुत बढ़िया, पहला दिन है, सब जने अपनी असलियत दिखा रहे, नो प्रॉब्लम। ओके, आपको दिख रहा है लाइव यहां पे ना, आपको तो सही दिख रहा है। सो यहां पर ये जो देखे हैं, आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड सेगमेंटेड। नोटिस बोर्ड सेगमेंट के अंदर आपको नोटिसेस मिल जाएगी, जैसे स्कूल का कॉलेज का नोटिस बोर्ड होता है वैसे ही नोटिस बोर्ड है। तो अभी मैंने यहां पे लिखा है, डियर स्टूडेंट्स प्लीज फाइंड बिलो इंपॉर्टेंट लिंक्स। मैंने आपको गूगल ड्राइव की लिंक दी है, जो मैं आप लोगों के साथ भी अभी शेयर करने वाला हूं, और ये गूगल ड्राइव के फोल्डर पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, मतलब जो होमवर्क क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस। हम लोग क्लास में पॉडकास्ट बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ना उसपे 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के ऑडियोज, ये ऑडियोज आपको काम आएंगे। कभी भी आप किसी कंसेप्ट में अगर अटक गए तो आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, उतना ऑडियो क्लिप सुन लिया कि आपका काम हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है डाउट सॉल्विंग के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज हो, तो जो भी बच्चे बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, सो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव, आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं कंसर्न्स हैं दे कैन बी टेकन अप ओवर हियर। कमिंग टू द टेलीग्राम ग्रुप्स, सो 2 टेलीग्राम ग्रुप्स आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप सभी इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला ग्रुप जो है वो है एकाग्रता CA का, फॉर ऑल द कॉमन अनाउंसमेंट्स दैट यू विल बी गेटिंग ऑन एकाग्रता CA ग्रुप। दूसरा है ये मेरा डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है CA इंटरमीडिएट बाय CA संशुल अग्रवाल। सो कॉस्टिंग हो या एडवांस अकाउंटिंग हो, लाइव स्टूडेंट्स हो, रिकॉर्डेड हो, या फिर फेस टू फेस स्टूडेंट्स हो, आप सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव की लिंक्स मिल जाएगी, आपको कहीं फंबल करने की जरूरत नहीं। जब आप ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ये ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एडवांस्ड अकाउंटिंग की भी लिंक है और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी लिंक है। ये जो गूगल ड्राइव फोल्डर है उस पर आपको क्या मिलेगा, दैट आई एम शोइंग यू राइट अवे।
सो जब आप एडवांस्ड अकाउंटिंग का गूगल ड्राइव फोल्डर देखेंगे तो वहां पे आपको ये सारे फोल्डर्स मिलेंगे। सभी जने ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला फोल्डर मिलेगा आपको ऑडियो पॉडकास्ट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्लास में काफी बार हम कोई क्रिटिकल कंसेप्ट समझेंगे, वो क्रिटिकल कंसेप्ट बाद में रिवाइज करने के लिए आपके लिए पॉसिबल ना हो कि हर बार आप जाकर लेक्चर्स खोल के देखें। मोबाइल के अंदर ये गूगल ड्राइव फोल्डर जो है ना, इसको बुकमार्क करके रखना। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, होम टाउन गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप ये गूगल ड्राइव फोल्डर के थ्रू सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट, नए सिलेबस की आरटीपी, पहली आरटीपी आ चुकी है, वो आरटीपी मैं आपको डाउनलोड कर इस फोल्डर में दूंगा। आपको प्रिंट आउट कैरी करने की जरूरत नहीं है, पूरा के पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज डाउनलोडेड है पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको कहीं कुछ बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप लोग सब जने बाहर से हैं, आउट ऑफ टाउन से, जब घर पे जाएंगे तो क्या भारी बलकम मॉड्यूल लेकर जाएंगे? जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से सॉफ्ट कॉपीज यूज कर लेते हैं तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। देन एडवांस्ड अकाउंटिंग मिक्स्ड बिन फोल्डर, ये जो मिक्स्ड बिन फोल्डर है ना, ये मिक्स्ड बिन फोल्डर में मिसलेनियस फाइल्स होगी, जैसे कि होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। जैसे कि मैं आपके साथ एक रिवीजन ट्रैकर शेयर करता हूं। अब आप सब लोगों को बुक्स की हार्ड कॉपीज मिलेगी, जिन्होंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस लिए हैं, ऑल अवर कोर्सेज कम्स विद हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स, उसके अंदर मैंने प्रिंटेड दिया आपको ट्रैकर। मैं जो रजिस्टर का इंडेक्स बनवाता हूं वो भी प्रिंटेड दिया है आपको, मतलब अब आपके लिए मैंने काम बहुत मिनिमल कर दिया है। जब आपको आज नोट्स मिलेंगे ना, तो कल हम नोट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स 15-20 मिनट का डिस्कशन होगा। मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स को इफेक्टिवली यूज कैसे करना है। मैंने पूरा के पूरा एक फोल्डर बना रखा है टेस्ट पेपर एंड सजेस्टेड आंसर। आई विल बी कंडक्टिंग 5 to 6 सेक्शनल टेस्ट इन द क्लास। सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है कुछ टॉपिक्स खत्म हो गए, उन टॉपिक्स के ऊपर एक टेस्ट, सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट यहां पर आपको क्लास में कंडक्ट की जाएगी। पेपर सॉल्व करना है और चेक करना है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी यहीं पे अपलोडेड रहेगा। मैं आपसे जो वॉल्यूम नंबर 3 की बात कर रहा था ना, कि मैंने आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस बुक बनाई है, वो वॉल्यूम नंबर 3 का पीडीएफ है, और अभी के लिए चैप्टर नंबर 1 का ओपन डाउनलोडेबल पीडीएफ आपको मैंने दिया। मतलब जब तक आप लोगों को बुक्स नहीं मिल जाती, ऑनलाइन वाले बच्चों को, जैसे मैंने कहा 15 दिन का समय लगेगा, जब तक आपको बुक्स नहीं मिल जाती तब तक आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, ये ट्रैकर। व्हाट इज द ट्रैकर दोस्तों? मैं चाहता हूं कि ये ट्रैकर आप खुद बनाएं, हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर का इंतजार ना करें कि मेरा टीचर ट्रैकर बनाएगा क्या। ये ट्रैकर क्या होता है देखिएगा, इट इज एन एक्सेल शीट लाइक दिस, दिख रहा है आपको, एक एक्सेल शीट इस तरीके की। हर दिन की नोटिंग होती है इसमें, किस डेट पे कौन सा लेक्चर हुआ, कौन सा चैप्टर हुआ। जैसे अभी आप यहां देख सकते हैं, मैंने अगले 3 लेक्चर्स की प्लानिंग करके रखी है। क्या पढ़ने वाले हम अगले 3 लेक्चर्स में? L2, L3, L4 में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का रिवीजन। उसके बाद क्या होगा? चैप्टर नंबर 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो लेक्चर कितनी देर का हुआ है, उस लेक्चर में कौन सा क्लास वर्क हुआ है, कौन सा होमवर्क हुआ है। अब आपको मैं क्या करता हूं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको पिछली बैच का ट्रैकर दिखा देता हूं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली ट्रैकर दिखेगा कैसे बैच खत्म हो जाने के बाद। तो मई 24 का ट्रैकर भी यहीं पे है, इसी फोल्डर में जो आपके साथ शेयर है। मई 24 का ट्रैकर देखिएगा भाई साहब, देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है। सर ये पीली पट्टी, हरी पट्टी, नीली पट्टी का क्या है, ये पट्टियां किस चीज की है? तो पीली पट्टी है डाउट सॉल्विंग सेशन। ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हम तो डाउट्स क्लास के सेटअप टाइम में करते रहेंगे, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, सिर्फ ऑनलाइन के बच्चों के लिए हर चैप्टर के एंड पे एक डेडिकेटेड सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशन होने वाला है। एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक अ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑफलाइन के लिए हमारा क्लास में डाउट सॉल्विंग पैरेलली चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो स्ट्राइप मींस व्हाट? डाउट सॉल्विंग सेशन। ग्रीन स्ट्राइप मींस मेंटरशिप सेशंस। अब ये स्वाति मैम वाले मेंटरशिप नहीं है, ये मेरे वाले मेंटरशिप सेशंस है। और ब्लू कलर की स्ट्राइप मतलब टेस्ट सेशंस। जब भी आपकी टेस्ट हो जाएगी, आप देख रहे हो कुछ चैप्टर्स खत्म होते ही, जैसे चैप्टर नंबर 1 to 1 पे चैप्टर 1 खत्म होते ही टेस्ट शेड्यूल हो गई, तो ये टेस्ट यहां पे सेशंस है।
तो सब कुछ आपको एक ट्रैकर में मिलेगा। प्रॉपर देखिए, हर जगह मैंने लिखा है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है, सब कुछ यहां पर एक डॉक्यूमेंट में दिया है। दिस डॉक्यूमेंट इज अ ट्रैकर। देखिए पिछली बैच में कितने लेक्चर्स लगे थे, 84 लेक्चर्स। एडवांस अकाउंटिंग का बैच खत्म हुआ था, 15 दिसंबर का बैच अनाउंस था, 14 दिसंबर को देख लिया आखिरी टीचिंग सेशन हो गया था, 17 दिसंबर को मेंटरशिप सेशन था। वी अनाउंस्ड एंड वी कंप्लीटेड बैचेस ऑन टाइम एंड दिस इज व्हाई टीम एकाग्रता इज नोन इन इंडिया, बिकॉज वी कंप्लीट ऑल अवर बैचेस ऑन टाइम। हम कभी भी बैचेस जो है उसको डिले नहीं करते हैं। ट्रैकर के अंदर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों के पास है, सारे रिसोर्सेज आप लोगों के पास है, आपको तो सिर्फ क्या करनी है, मेहनत करनी है। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे, नवंबर 24 की स्ट्रैटेजी। गर्म तो नहीं हो गया किसी का दिमाग कभी से? पक्का कोई सो गया आसपास वाला तो चेक कर लो, उठा लो उसको, अच्छा टपली पे देकर है, ट्राई करो उसको। खुशी बीच बीच में गायब हो रही है, ये कहेगी सर मेरे को क्या बोल रहा, मैं खुद ही गायब हो रही हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, मैं आपसे करूंगा बात बिल्कुल, बस ये खत्म हो जाते फिर ऑनलाइन वाले एक दो बच्चों से बात करेंगे। सबसे पहली चीज, आज डे वन पे अपना एक माइंड सेट रखो, दो ग्रुप्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सिक्स सब्जेक्ट, सिक्स पेपर, दैट्स ऑल। सबसे पहला माइंड सेट रखना है, अपने दिमाग से निकाल देना, बहुत सारे दोस्त बहकाएंगे आपको, अपने इर्द गिर्द एक आस पास में एक शील्ड बना दी है, खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। दुनिया बहुत बेकार है और दोस्त और भी बेकार है। यू शुड नॉट गेट डाइवर्टेड डिस्ट्रैक्टेड, यू हैव टू मेक योर ओन प्लान। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिक्स सब्जेक्ट मुझे क्रैक करना है, दैट्स ऑल। नंबर टू, अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि सिलेबस कम हो गया है, नए सिलेबस की पहली दूसरी एग्जाम है। इंस्टीट्यूट रिजल्ट कंट्रोल करता है, अभी इस नाम पे एक अलग ही कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, एंड आई रियली डोंट वॉन्टेड टू एंटर इन टू दैट डिस्कशन, बट बहुत आसान होता है यूट्यूब पे व्यूज गेन करने का। सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है नेगेटिव पब्लिसिटी, डोंट यू थिंक सो? आज अगर मैं एक कंस्ट्रक्टिव वीडियो बना रहा हूं, जैसे अभी मेरा चल रहा है ये सेशन, अभी भी कितने लोग देख रहे हैं, 1200 बच्चे अभी भी देख रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सेशन चल रहा है, ज्यादा लोग नहीं देखेंगे। यही मैं अगर कोई नेगेटिव सेशन बनाऊ, है ना, व्हाई आई लेफ्ट दिस, फिर देखो भाई साहब, बड़ा इंटरेस्ट आता है ना लोगों को, नहीं ऐसा आता है, सीरियसली बता रहा हूं। दूसरों के घरों पे जब पत्थर मार के शीशे टूट रहे होते, अच्छा शीशे के पीछे क्या है, शीशे के पीछे, वो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है। नेगेटिव मार्केटिंग बहुत जल्दी होती है दोस्त, ये चीज समझना है। तो आपको ना ये सब गलत फहमियों से बाहर आ रहा है कि इंस्टीट्यूट जो है रिजल्ट को कंट्रोल करता है। मैं कह रहा हूं पहले खुद तो कंट्रोल कर ले, फिर इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना। यू हैव टू स्टडी लाइक एन एंट, चींटी की तरह। यू एंड मी बोथ विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एज आई सेड आई एम टेकिंग 3 सेशंस ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। चींटी का एग्जांपल क्यों? क्योंकि वो घर में कोने कोने में घुसकर जहां पर भी शक्कर का एक दाना होता है ना, छुड़ा कर निकाल लेती। आपको भी वही तरीके से हर एक कंसेप्ट के तह तक जाना है, ऊपर से नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, ऊपर से जिस दिन किया मई 25 का फॉर्म भी तैयार कर लेना, और अगर नवंबर 24 में ही निकालना है तो डिटेल में जाके पढ़ना। सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा दिया क्लास में, नहीं समझ आया, दोबारा रिवाइज करो। और जो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है ना, उसको तो मैं एक टिप देता हूं, द बेस्ट वे टू स्टडी इज टू टीच समवन। पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका पता गया है, किसी को पकड़ के पढ़ाओ। मुझे पता चला लवकुश हॉस्टल में बहुत सारे बॉयज ठहरे हैं, है ना, काफी सारे बॉयज एक ही हॉस्टल में ठहरे लवकुश में। हाँ, यू आर फर्स्ट स्टूडेंट, बहुत कमीशन मिला रहेगा, नहीं आपकी स्माइल बता रही है। अच्छा लड़कियों का भी है, हैं? कोएड है, कोएड हॉस्टल, नहीं, कितना दुख हो रहा है इसको देखो। So, यार आप लोग ग्रुप स्टडीज नहीं कर सकते, आप सोचिए इसके बारे में, है ना, कांट यू डू ग्रुप स्टडीज? यस, क्लास खत्म होने के बाद यहीं बैठ जाओ ना डाउट सॉल्विंग के लिए, क्या प्रॉब्लम है? द बेस्ट वे टू स्टडी इज टू टीच समवन, यू हैव टू स्टडी लाइक एन एंट, कार फॉर नॉलेज, सेटिस्फाई विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड बर्थ विद मार्क्स। मार्क्स की डकार लेनी है भाई,
मार्क्स चाहिए हमें. कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी इन हार्डवर्क. अजम्पशन व्हाइल स्टडीइंग इज आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आई एम अ CAWIP. जो ये समझ लेता है कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं, उसका काम तमाम. मैं तो एज ए टीचर भी बोल रहा हूं मुझे सब नहीं आता, और मुझे ये प्रूव करके क्या ही करना है कि मुझे सब आता है. भाई मैं यहाँ पढ़ाने आया हूं, मैं यहाँ पे कोई अपनी इंटेलिजेंस जानने तो आया नहीं हूं. देखो मैं कितना इंटेलिजेंट, मेरे पास कोई किताब नहीं है, फिर भी सब कुछ मेरे यहाँ पे है, सब कुछ. ऐसा बोलूंगा मैं बीच बीच में दो चार बार, बट अगर मेरी मिस्टेक होने के चांसेस है तो हो सकता है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता मुझे बताओ. टीचिंग प्रोफेशन सेलेक्ट करने का दूसरा रीजन पता है क्या, ये जो यहाँ इतने सारे दिमाग बैठे ना, किसके दिमाग में क्या आइडियाज आ जाए, क्या नया मेथड आ जाए, किसको पता. हर एक बैच में एक हाथ दो बच्चे, एक हाथ दो डाउट्स ऐसे होते हैं जो हमें कुछ सिखा के जाते हैं. ट्रस्ट मी, हमें कुछ सिखा के जाते हैं. क्या आपका ब्रेन वैसा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बनाना पड़ेगा. लेकिन अगर अपने दिमाग में घुसा के रखा ना कि मैं बहुत होशियार हूं, इंटेलिजेंट हूं, तो आपका ब्रेन वैसा कभी नहीं बनेगा. ये चीज समझ लेना. पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी जो ओवरऑल जर्नी है ना, उस जर्नी को तीन फेजेस में मैंने डिवाइड करके रखा है. फेज नंबर वन जो आज से चालू हो रहा है 20th फरवरी 2024 से, ये फेज चलेगा टिल 31st May 2024, 101 दिनों का. दोस्तों ये वो फेज है जब हम ग्रुप वन की क्लासेस कर रहे हैं. व्हाट इज द रूटीन, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5, 5:30 बजे तक क्लासेस. उसके बाद हर रोज 3 से 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट दैट यू आर नाइट आउल और अ मॉर्निंग राइजर. ये पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट है. रात को लेट तक जगने वाले लेट तक पढ़ेंगे, सुबह जल्दी उठने वाले जल्दी पढ़ेंगे. 3 से 4 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा. सर क्या पढ़ना पड़ेगा, योर होमवर्क इज ऑल्सो योर सेल्फ स्टडी. जो क्लास में चल रहा है बस उतना रोज करते गए तो आपका काम हो गया. ये 101 डे का फेज खत्म होगा और फिर आपकी ग्रुप टू क्लिक क्लासेस चालू होगी. मतलब बिफोर यू आस्क मी आई एम आंसरिंग क्वेश्चन, स्टिल इसके बाद मैं Q&A सेशन दूंगा, ठीक है. सो आपकी ग्रुप टू की क्लासेस 4-5 दिन बाद चालू होगी. सो हम लोग प्लान ऐसा कर रहे हैं कि जो 31 मई का टारगेट डेट है उसको थोड़ा जल्दी अचीव करते हैं, 23, 24, 25 मई तक. फिर पिकनिक पे चलते हैं, है ना. ग्रुप वन की थकान और भड़ास दोनों को निकालते हैं, पिकनिक पे चलते हैं, और फिर वहां से टैन होकर आते हैं. सब जन ऐसे क्लास में 2-4 लाइट एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा. टैन होकर आते हैं और फिर चालू करते हैं ग्रुप टू. देखो आपको नहीं पता बट छोटी छोटी सेलिब्रेशंस और खुशियों की जिंदगी में बहुत जरूरत पड़ने वाली है. अगले 6 महीने के लिए आप ही और मैं ही एक दूसरे की फैमिली है, सच बता रहा हूं. वी आर फैमिली ऑफ ईच अदर. You will be living my life for next 6 months. मेरी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, मैं यहाँ पर आऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा. बिफोर द क्लास ऑब्वियसली आपके प्रॉब्लम्स होंगे, आप मेरे साथ शेयर करोगे. काफी बार शेयर नहीं करेंगे, चेहरा देख के पता चल जाएगा भाई क्या हो गया आज सर, वो हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा होता है ना. सो वी आर फैमिली फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी मंथ्स, 6 months, है ना. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को. 76 डेज का ये फेज होगा. 4-5 जून को ग्रुप टू की बैचेस चालू करेंगे. ऑनलाइन वाले कह रहे हैं ऑनलाइन, अरे तुमको मैं वीडियो कॉल पे ले लूंगा. हम जब ट्रिप पे जाएंगे ऐसा गोवा वोवा अगर गए तो बीच पे जाएंगे तो एक वीडियो कॉल कर लेंगे आप लोगों के साथ. इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएंगे यार, क्यों चिंता करें. मैं ऑनलाइन भी आ जाएंगे ट्रिप पर, ऑफलाइन पढ़ने के लिए ऑफलाइन नहीं आएंगे, ट्रिप पे जाने के लिए ऑफलाइन आना है. चलो बहुत अच्छी बात. ग्रुप टू 76 डेज की जर्नी है, 15 अगस्त तक देश की आजादी और आपकी आजादी एक ही दिन. ग्रुप टू की क्लासेस खत्म, लेकिन इस समय आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे. ग्रुप टू की क्लासेस जो है वो 5:30 बजे तक नहीं रहेगी. मैं आपको अभी टाइम टेबल बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक ये ग्रुप टू का टाइम टेबल है. 8 से 2:30 समझ में आया. अब 2:30 बजे के बाद आपको रोज ग्रुप टू की भी पढ़ाई करनी है और कम से कम 2 घंटे रोज निकालने हैं ग्रुप वन के रिविजन के लिए. फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी डेज, 76 डेज. उसके बाद 16 अगस्त से 31 अक्टूबर 77 डेज इट इज नो क्लास, प्योरली सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी करो, रिविजन करो,
टेस्ट सीरीज दो, दैट्स ऑल, दैट्स ओनली व्हाट यू नीड टू डू, कुछ और नहीं करना, और 2 नवंबर से एग्जाम। अब यहां से अगर आप इक्वेशन देखोगे ना, ग्रुप वन की क्लासेस कितने दिन चल रही है बेटा, 101 दिन, ग्रुप टू की 76 डेज। क्या आप कह सकते हो कि ग्रुप वन और ग्रुप टू का वेटेज इक्वल है 50-50%? नहीं है दोस्त, ग्रुप वन और ग्रुप टू का वेटेज जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 55-60% टू ग्रुप वन एंड 40-45% टू ग्रुप टू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? द वेटेज इज नॉट एट ऑल इक्वल। ग्रुप वन इज हैविंग मोर कॉन्टेंट, ग्रुप वन इज हैविंग मोर कॉन्सेप्ट्स, मोर टीचिंग आवर्स रिक्वायर्ड। एज अ टीचर, एज एन एकेडमिशियन, लेट मी टेल यू, 550 घंटे से 600 घंटे लगेंगे ग्रुप वन पढ़ने में, क्लासेस का ड्यूरेशन बता रहा हूं मैं आपको, वर्सेस ग्रुप टू में 450 आवर्स। ग्रुप टू में थ्योरी ज्यादा है, 150 मार्क की थ्योरी है, मैंने आपको गिनाया था, 100 मार्क का ऑडिट, 50 मार्क का एसएल, और ग्रुप वन के अंदर 100 मार्क की थ्योरी है, 200 मार्क का प्रैक्टिकल है। तो मेहनत ज्यादा लगेगी ग्रुप वन में, doesn't mean ग्रुप टू में नहीं लगेगी, ग्रुप टू में ग्रुप वन को भी रिवाइज करना पड़ेगा, ग्रुप वन में एटलीस्ट ये है कि सिर्फ ग्रुप वन रिवाइज करना है। तो ये एक स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, और जैसा मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देके जाऊंगा। प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया हूं मैं आपके सामने आज। कल ऑफिस में एक इंक्वायरी हुई थी, एक पेरेंट्स आए, उन्होंने पूछा कि बैच कब से कब तक है, क्या है। स्टाफ आंसर कर रहा था, मैं वहीं पे भटक रहा था तो मैं बातें सुन रहा था। तो पेरेंट्स का सवाल था कि बैच अगर 15 अगस्त तक है तो मेरी बच्ची 15 अगस्त के बाद क्या करेगी, एग्जाम तो नवंबर में, उसके बाद क्या होगा, रिवीजन कैसे होगी। अब आपको मैं एक चीज यहां समझाना चाहता हूं, ये क्लेम करना ही गलत है कि आप क्लासेस अटेंड कर लो और आप सीए इंटरमीडिएट पास हो जाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू के एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपका जो दिमाग है ना, आप समझ लीजिए वो है एक लोहे की रॉड, आयरन रॉड। रोज जब आप यहां क्लास में आते हो और मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, आपको पता है क्या करें हम लोग, हम इस आयरन की रॉड को पहले एक शेप दे रहे हैं जिसको कहते हैं तलवार। हम इस आयरन की रॉड को क्या बना रहे हैं, तलवार, पर तलवार नहीं बना रहे, सिर्फ तलवार का शेप दे रहे हैं। एक बार तलवार का शेप दे दिया ना, फिर हम इसको धार लगाएंगे, धीरे धीरे धार लगाएंगे, समझ रहे हो। 15 अगस्त तक धार लगेगी, 15 अगस्त के बाद ये धार को तीखा करने का काम है आपका। यू हैव टू शार्पन योर ब्रेन। हाउ विल यू शार्पन योर ब्रेन? यू विल सिट इन लाइब्रेरी, यू विल सॉल्व मोर एंड मोर पेपर्स, यू विल सॉल्व क्वेश्चंस। वॉल्यूम नंबर 3 में अगर अंशुल सर ने क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटिंग बेस्ड स्टडी करना है, नहीं भाई, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर से चेक करना है। आंसर इसलिए दिए है, आंसर भी नहीं, सोल्यूशन दिया मैंने, आंसर अलग चीज है, सोल्यूशन इसलिए दिए कि कहीं अगर आप अटक गए तो आप उसको रेफर कर सको, ना कि ऐसा अच्छा क्वेश्चन जर्नल एंट्री, क्वेश्चन जर्नल ऐसे अखियों से सॉल्व नहीं करना है भाई, पॉइंट समझ रहे हो। वो 3 महीनों में आप अपनी तलवार को क्या करोगे, तीखा करोगे, और एग्जाम में जाकर क्या करोगे, वो तलवार से जंग लड़ोगे। अब आपको सोचना है कि आप जंग में सिर्फ आयरन रॉड लेकर जाते हैं या वो आयरन रॉड ले जाते हैं जिसपे धार वार तो है नहीं, सिर्फ तलवार का शेप दिया है, या वो आयरन रॉड ले जाते हैं जिसपे तीखी धार है। क्या आपको सोचना है, सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से कोई पास नहीं होता है। आपको क्या करना है, मैं आपके सामने पूरा एक मंत्र लेके आया हूं। एक रेगुलर क्लास जो आप अभी अटेंड कर रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। लेट मी टेल यू, एज एन एकेडमिशियन आई एम टेलिंग यू, अनलिमिटेड वॉच टाइम मैं भी कह रहा हूं, जरूरत ही नहीं है ना भाई, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं आप खुद मुझे बताए, आप मुझे ऑनलाइन देखते थे, डू यू हैव टाइम कैपेसिटी टू वॉच 1 चैप्टर 1 लेक्चर 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स? टेल मी मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स मैक्सिमम, 2 टाइम्स, डू यू एग्री विद मी? और सेकंड टाइम भी जो देखते हैं पूरा लेक्चर देखते हैं 0 to 100, नहीं 2x पे भगा के, मतलब 2x पे भगा के देखते हैं, कुछ सेक्शन देखते हैं, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। मतलब मुझे लॉजिकली एक बात बताओ, अगर मैं इसको टेक्निकली वॉच टाइम के फ्रेम में डाल दूं तो 2x वॉच टाइम की भी जरूरत नहीं है, एग्री करते हो आप मुझसे?
वन टाइम वॉच टाइम का मतलब होता है 100 मिनट वीडियो कैन बी वॉच फॉर 100 मिनट, 1.5 टाइम वॉच टाइम का मतलब होता है 100 मिनट वीडियो कैन बी वॉच फॉर 150 मिनट्स, अनलिमिटेड का मतलब होता है एन नंबर ऑफ मिनट्स। मुझे बताइए रियली स्पीकिंग डू यू हैव दैट मच टाइम टू वॉच सो मेनी टाइम्स मल्टीपल टाइम्स? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। और सिर्फ क्लासेस देखते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे? सर 15 अगस्त के बाद रिवीजन कैसे लोगे? अबे मैं कैसे लूंगा रिवीजन, तेरे को खुद को रिवीजन करनी है बैठ के। मैं तो यूट्यूब पे सेशंस लूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट डू यू थिंक दैट यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन अ टीचर टू टेक योर रिवीजन? नो, यू हैव टू प्लान। क्लास में पढ़ने के बाद आप लोगों को एक एक्सटेंसिव रिवीजन करना है। लेट मी पुट इट अप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो ये हो गया 100%। फर्स्ट रिवीजन, एक्सटेंसिव रिवीजन, इट शुड हैव अ स्कोप ऑफ 75%। मतलब 75% क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, 25% ऑडिटिंग अप्रोच है, डिटेल रिवीजन 50%। समराइज रिवीजन 2-3 बार करना है, वो हो जाएगी ना, क्लास टेस्ट के पहले हो जाएगी, एग्जाम में पहले हो जाएगी, अगस्त सितंबर में हो जाएगी। समराइज रिवीजन 2-3 बार। सेक्शनल टेस्ट 3 से 5 टेस्ट देनी है मिनिमम हर एक सब्जेक्ट, ये टारगेट ले लेना। इवन दो आई एम द फाउंडर ऑफ एकाग्रता, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ एज एन अकाउंट्स टीचर अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ अश्योरेंस दे दिया मैं 5 से 6 सेक्शनल टेस्ट लेने वाला हूँ, तो अकाउंट्स के अंदर तो टिक मार्क कर दो, ये हमारा होगा ही होगा जो करना चाहेगा उसके लिए। कॉस्टिंग के अंदर भी मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं 5 से 6 टेस्ट ले लूंगा, ये भी मेरी तरफ से प्रॉमिस है, होगा ही होगा। उसके अलावा आपको प्लान करना है फुल सिलेबस टेस्ट, एटलीस्ट 1-3 टेस्ट पर सब्जेक्ट, ये आपको प्लान करना है। 1 से 3 टेस्ट। मेरा एक स्टूडेंट था इंदौर से, शिवांश नाम का, ऑल इंडिया रैंकर आ चुका है इंटरमीडिएट में। आपको पता है शिवांश ने 40 पेपर सॉल्व किए थे बिफोर एग्जामिनेशन, 40 पेपर, फुल सिलेबस की बता रहा हूं, 40 फुल सिलेबस के पेपर उसने जब एग्जाम दी थी तब 8 सब्जेक्ट थे, 40 को 8 से डिवाइड कर बेटा एक बार कितना हो गया भाई, मतलब हर सब्जेक्ट के कितने पेपर सॉल्व किए? 5। मेरा एक दूसरा स्टूडेंट था गौतम, मुंबई से। अब वो देखो मेरा था, किसी और ने कह दिया मेरा था क्योंकि किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा था, तो मैं डिटेल में नहीं जाता। वो स्टूडेंट ने पता है 70 पेपर सॉल्व किए, कितने? 70। अब इन लोगों की स्ट्रैटेजी क्या थी मैं आपको बता देता हूं, वैसे हम लोग रोज डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए, पहले दिन के लिए, इन लोगों की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। मैं डेली क्लास के साथ मेरी रिवीजन सेल्फ स्टडी खत्म कर दूं, उसका बैकलॉग मुझे रखना ही नहीं। 15 तारीख को क्लास खत्म हुई, मैं आपकी डेट्स के बता रहा हूं, 15 अगस्त को क्लास खत्म हुई, उसके बाद में उसने 15 दिन लिए रिवीजन के लिए, एग्जाम में बचे 2 महीने, सितंबर अक्टूबर। 1 सितंबर से उसने हर रोज पेपर सॉल्व करना चालू कर, पहले शुरुआत के 8 पेपर 1 पेपर अ डे, फिर 2 पेपर्स अ डे, देन 3 पेपर्स अ डे। भाई साहब इतने सारे 50-60 पेपर सॉल्व करने के बाद अगर पास नहीं होगे तो क्या ही होगा, मुझे तो बताओ कैसी एंजाइटी बचेगी, कोई एंजाइटी? हाँ सर पेपर देखते आई गो, यू नो सर पेपर वॉज सो वेरी मच इजी बट आई डोंट नो सर, आफ्टर आई सॉ पेपर आई जस्ट वेंट ब्लैंक। हाउ कैन यू गो ब्लैंक मैन आफ्टर सॉल्विंग 50 पेपर्स, कैन यू गो ब्लैंक? पेपर विल क्राई, बस छोड़ दे भाई मेरे को, बहुत छोड़ लिया तुमने, अब तो छोड़ दे यार। 50 पेपर सॉल्व करने का एक बार इमेजिन तो करो ना यार, क्या होगा, सोच तो लो एक बार क्या होगा 50 पेपर के बाद। मतलब पास होना मुश्किल नहीं है, वो 50 पेपर सॉल्व करना मुश्किल है। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, ये सोचना है। मैंने आपको यहां एजेंडा दिया है 1 से 3 पेपर पर सब्जेक्ट फुल सिलेबस के। अरे 3-3 पेपर सॉल्व कर दो, 6 सब्जेक्ट के 18 ही पेपर हुए। शिवांश मित्तल इंदौर का है, बुलाऊंगा किसी दिन, अभी बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहा है मुंबई में, देवास का रहने वाला है। आपको पता है बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहा है इंदौर का बच्चा, प्रेस्टीजियस लाइफ जी रहा है मुंबई के अंदर, खुद से पेपर लेकर आया, खुद ने चेक किया। भाई साहब जिनको प्रॉब्लम्स निकालनी है ना वो रोता रहेगा, सर वेयर डू आई गेट पेपर फ्रॉम, सर हाउ डू आई इवेल्युएट, सर मुझे कैसे पता चलेगा मुझे आता कि नहीं आता, ये तू लाइट दाखो तो सकता कर। Winners never think about challenges. Winners always think about
opportunities. Just remember my words. Huh? Just remember my words. I had a student, Komal Gupta, from New Delhi, staying in Lakshmi Nagar. For those who don't know, Lakshmi Nagar is known as CS Paradise in Delhi. Market lagta hai, mall lagta hai, pata hai? 10,000 classes hai, ek area mein. 10,000 classes. Student nahi bolo, classes. लक्ष्मी नगर की लड़की वही पली बड़ी मेरी स्टूडेंट पूरा मुझसे यूट्यूब से पढ़ा सीए फाउंडेशन शी गॉट 99 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरमीडिएट क्लियर बोथ द ग्रुप्स 471 मार्क्स आउट ऑफ 800 मार्क्स कोमल गुप्ता की बात करो जब सब जने कर सकते तो यार हम क्यों नहीं कर सकते हैं क्या हमारे पास दो आंखें दो कान एक दिमाग दो हाथ एक पेट दो टांगे नहीं है सब है यहां क्लास में जितने भी बच्चे बैठे ना ऑनलाइन ऑफलाइन आज हम सब लोग एक लाइन में खड़े हैं एकदम स्ट्रेट लाइन हम में कोई भेदभाव नहीं है कोई ऊपर नीचे नहीं है लेकिन कल से देखना भेदभाव चालू हो जाएगा मैं नहीं करूंगा आप करेंगे कुछ बच्चे आगे निकलेंगे आंसर देंगे समझ में आएगा ऐसे कुछ बच्चों को नहीं आएगा एज ए ब्लैंक रहेंगे कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कुछ बच्चों का नहीं बढ़ेगा ये क्यों होता है इट इज बिकॉज क्लास से जाने के बाद आप अपने समय को कैसे स्पेंड करते हैं पूरा उस पर डिपेंड करता है फेस टू फेस वाले बच्चों को मैं गारंटी देता हूं यहाँ पे मेरा ऑफिस 7 बजे तक खुला रहता है ना आपकी क्लास 5 तक है मैं आपको क्लासरूम अवेलेबल करवा के देता हूँ 1.5 घंटा यही क्लासरूम जहां बैठ रहे हो सेल्फ स्टडी करते हो तो बैठे मनोरंजन करो टाइम पास करो तो नहीं बैठने दूंगा डिस्कशन करना है ग्रुप स्टडीज करनी है बैठो पेपर सॉल्व करने बैठो हिम्मत होनी चाहिए जज्बा होना चाहिए कैंशु सर ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज हमको टारगेट दे दिया है मेरे ट्रैकर में चले जाओ मैंने टारगेट डेट भी डाल दी कैश फ्लो मैं कब खत्म कर दूंगा कैश फ्लो क्लास में खत्म हुआ ना सर वॉल्यूम नंबर 3 तो आप हमको तुरंत दे रहे हो वॉल्यूम नंबर 3 के बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आज ये आग लगनी चाहिए अंदर तब तो रिजल्ट आएगा नहीं तो जाएगा कहां मेरे को बताओ ना जो बच्चे पास नहीं हुए ना उनसे बात करके देखो उनको बोलो तुम सोच के देखो उनको पता चलेगा कहीं ना कहीं अपनी ही कोई गलती रही है जिसके वजह से क्लियर नहीं हो पाए आप में से हो सकता है कुछ लोग फाउंडेशन ना निकले हो तो डायरेक्ट एंट्री रूट से आ गए हैं यहां तो फाउंडेशन क्यों नहीं निकला सोच के देखो और टीचर्स तो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं अच्छा सर हम फलाना टीचर से पढ़े उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए हम पास नहीं हुए अबे वो टीचर ने तेरे को अकेले थोड़ी पढ़ा है वो टीचर ने तो हजारों बच्चों को पढ़ा है उसके हजारों बच्चे पढ़ के वहां पे 97 लेकर आए 98 लेकर आए 99 लेकर आए और तेरा अगर 38 आया तो टीचर की गलती होगी आप समझ रहे हो मेरी बात आर यू गेटिंग माय पॉइंट हर बच्चा दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल सकता मैं एग्री कर रहा हूं सबकी क्षमता होती है कैपेसिटी होती है बट नवंबर 24 खाली हाथ नहीं आना ये टारगेट है भले एक ग्रुप लेकर आएंगे पर निकाल के आएंगे खाली हाथ नहीं आना है बहुत सारी चीजें मन में चल रही होगी सवाल मन में चल रहे होंगे एक एक कर मैं आपके सवाल लेता हूं पहले एक दो स्टूडेंट से ऑनलाइन से बात कर लेता हूं और फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूं है ना सबको क्लियर हुआ सब समझ में आया ओवरडोज तो नहीं हो गया आज पक्का सर मेरी तो कनपट्टी की नस अभी से फड़फड़ 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 करने लग रही है सर ऐसा है किसी का ओके सो मैं यहां पे पहले लर्नर को कॉल करता हूं लर्नर का नाम है मुस्कान हटवानी हेलो हेलो मुस्कान हेलो ओके मुस्कान हेलो मिलन आर यू देयर यस हेलो हाय मिलन कहाँ से आप हाँ मैं अहमदाबाद से हूँ अहमदाबाद से ओहो शुभ बात है मिलन भाई बस मजामा 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 Tell me, Milan bhai, how was day one? सब समझ में आया? हाँ सब समझ में आया। कोई doubt था? नहीं कोई doubt नहीं था ऐसे ही बात करनी थी। ऐसे ही बात करनी थी। चलो बहुत अच्छा है मिलन भाई बहुत अच्छा है जो मैंने आज समझाया जो मैंने बताया कि कैसे पढ़ना है क्या स्ट्रेटेजी करनी है सब क्लियर हो गया अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है यस यस बिल्कुल क्लियर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं मजा आया लेक्चर में आज हाँ चलो बहुत बढ़िया मिलन भाई थैंक यू सो मच यस सर थैंक यू
किसी दिन आप लोग भी यहाँ हुआ करते थे, जो लोग ऑनलाइन पहले पढ़ चुके हैं सो यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं कि किसी दिन आप लोग भी इस साइड हुआ करते थे, टीचर्स के मजे ले लेते थे ऑनलाइन में, तो सही क्या टाइप कर रहे पता नहीं चलता है ना। हेलो अनम्यूट कैसे करें, तो वहां पे बटन होता है माइक का बना हुआ, उस बटन को प्रेस करें अनम्यूट हो जाएगा। हेलो 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 ओके, मुझे तो यहाँ दिख नहीं रहा है कि आपने खुद को म्यूट कर रखा है, आई थिंक यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड। हेलो हेलो ओके आई थिंक शी इज नॉट ऑडिबल। आपके किसी के कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, 5:30 के बाद नहीं, 5 बजे तक ही आपकी क्लास, तब तक 15 5:35 तक है और अभी तक तो कोई प्लान नहीं एक्सटेंड करने का, बट जैसे सपोज किसी दिन कोई ट्रैवलिंग रही, किसी वजह से लेक्चर्स मिस हो गए, सपोज मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो आई मे टेक सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स। अगर मैं किसी दिन ट्रैवलिंग पे भी रहा तो आई विल इंश्योर कि मैं लेक्चर मिस ना करूं, मे बी उतने दिनों के 1-2 दिन के लेक्चर्स ऑनलाइन ले लूं, पर मैं लूंगा जरूर। मैंने आपको बताया ना भाई, सेक्शनल टेस्ट, वीकली टेस्ट नहीं बताया मैंने, सेक्शनल टेस्ट बताया आपको, मेरे सब्जेक्ट के बारे में बताया मैंने, बताया चैप्टर खत्म होने के बाद होगा, चैप्टर वाइज होगा। यस सर, टेस्ट गायब थोड़ी हो जाएगी, टेस्ट तो वहीं रहेगी, टेस्ट आप बाद में दे सकते हो। टेस्ट मैं आपको टेस्ट एक्सप्लेन करता हूं, इट्स अ सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट। इसका मतलब क्या समझना, इसका मतलब यह है कि आपका पेपर और सॉल्यूशन दोनों वहां पे रहेंगे, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से कभी भी पेपर सॉल्व कर सकते हो। ऐसी कोई सिंगल डेट नहीं है कि उस दिन पे ही बैठ के आपको करना, यहां पे भी बैठ के देना ना मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आप देखो यार, मैं आपको बता रहा हूं आज क्लास स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे ग्रुप्स बनेंगे, आप दोस्तों से बात करोगे, दोस्त नहीं कहूंगा अभी तो क्लासमेट से बात करोगे, तो एक वेवलेंथ मैच होगी, जब ये वेवलेंथ मैच होगी ग्रुप बनेगा, चार जने मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग इतनी तारीख को कैश फ्लो की टेस्ट देंगे, यहां बैठ के दे दो। हॉस्टल में थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड हो जाए, यहां पर कैजुअल एटीट्यूड थोड़ी होगा, समझ रहे आप मेरी बात। सब जने अगर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं तो मैं एक दिन यहाँ पे मॉडरेटेड टेस्ट रखवा दूंगा, मतलब पेपर यही रहेगा पर यहाँ पे मैं प्रॉपर टेस्ट रखवा दूंगा, जैसे आप चाहें। वो तो सर मैं रूल चेंज नहीं करूंगा, वो मैं चेंज नहीं करूंगा सर, मैंने आपको लॉजिक बता दिया उसका, एंड आई होप लॉजिक समझ में आ गया आपको। हाँ जी सर, सर मैं 10 का 7 कर दूंगा, पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, आप मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करो सर। अगर मैं लाइव दे दूंगा ना तो लिटरली बता रहा हूँ, किसी दिन आपका ही मन करेगा कि नहीं यार आज क्या है, देखो वहां पे भी जाके सर को देखना है, यहाँ पे भी हॉस्टल पे बैठे बैठे देखना है। काफी बार मैं खुद ऐसा करता था और मैं नहीं चाहता हूं आप करो, घर पे गए ना ये सोच के 2 दिन में वापस आ जाएंगे, जाने के बाद आ ही नहीं रहे, 6-8 दिन 10 दिन आ ही नहीं रहे वापस, क्यों नहीं आ रहे, लाइव लेक्चर्स तो चल ही रहे ना। मम्मी पापा भी कभी प्यार में ममता में बोलते हैं जाऊं दे रहे, कई फर्क पड़े, बैठ जा कहीं, आए तो 4 दिन हेलो रुक जा, कई फर्क पड़े तो लॉस हो जाएगा ना यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऑनलाइन ही देखना था तो ऑफलाइन क्यों करना है भाई, और जब ऑफलाइन करना है तो ऑनलाइन क्यों, बट ये मैं क्यों दे रहा हूं उसका लॉजिक समझना। इसका लॉजिक सिर्फ ये है कि आप लोगों के पास एक बैकअप हो, आपका नुकसान ना, बट आप नुकसान करो भी नहीं इसीलिए। और बताइए, वो तो सर लिंक ब्रेक होगी, वो तो लिंक ब्रेक होगी सर, पर वो तो थोड़ा बहुत तो मैच होता है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाता है। हाँ वो ऐसा होता है कि अगर आप कोई नए चैप्टर के day 1 पे एबसेंट हो तब तो day 2 पे प्लान करोगे ना भाई। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा आप लोग इतनी छुट्टियां क्यों प्लान कर रहे, अभी सही है ना। उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा विल रिड्यूस फ्रॉम 10 to 7 days, डोंट वरी अबाउट दैट।
देखो यार, आपको अगर कॉलेज जाना है किसी दिन और बीच में भी ज्वाइन करना है, यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप सुबह नहीं आए तो दिन भर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप अगर जाना है जाकर आ सकते हैं। सपोज आपकी सुबह कॉलेज है, एग्जाम है, तो आदर्श सर का क्लास मिस हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे क्लास से ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और कोई? यस मैम, व्हाट एग्जाम? एग्जाम एग्जाम पैटर्न? इट्स अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, 6 पेपर्स, 100 मार्क्स ईच, 3 आवर्स पेपर प्लस 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम इन एवरी सिंगल पेपर। एंड एज फार एज द एग्जैक्ट पेपर पैटर्न इज कंसर्न, वी हैव टू वेट फॉर May 24 एग्जाम्स, बिकॉज उस एग्जामिनेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज को कहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रही है, कैसे कर रही है। जनरल जो पैटर्न है वो है 125 मार्क का पेपर आता है और उसमें से 100 मार्क का पेपर आपको सॉल्व करना है। तो जैसे अभी हमने देखा एडवांस अकाउंटिंग में 7 चैप्टर्स है, तो ये मान के चलो 70 मार्क के क्वेश्चन तो उसपे आने ही आने, कुछ भी कर लो आने ही आने। एनीवन, बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? क्या बोल रही? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, विल हैव टू वेट फॉर May 24 एग्जामिनेशन। May 24 का जो पेपर होगा ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओल्ड सिलेबस का मैं आपको बता सकता हूँ, 6 क्वेश्चंस आते थे, 6 में से 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते थे, बट अब उसमें एमसीक्यूज नहीं होते थे। अब इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज पूछ रही है, तो एग्जैक्टली कितना होगा, आपकी बैच खत्म होने से पहले तो पेपर हो जाएगा May 24 का। वी विल गेट टू नो एग्जैक्ट पेपर पैटर्न, डोंट वरी। ठीक है, और कोई? चलिए, इनको एक कॉल करना है, इनसे मैं कॉल कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। अरे यार, जो कह रहा है कॉल करो, पहले आप हैंड तो रेज करो तो कॉल करेंगे ना मैडम, हैंड रेज नहीं करेंगे तो कॉल कैसे करेंगे? उर्मिता, अर्चना, जानवी, चेतना, ओके, चलिए इसको लगा लेते हैं, वापस ट्राई कर लेते हैं। हेलो हेलो, यस, गुड आफ्टरनून गुड मैम, आफ्टरनून सर, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड सर, आप बताइए। तो फाइनली यू क्लियर सीए फाउंडेशन, अमेजिंग। यस सर, आपकी मदद से और भी एजुकेटर्स की मदद से सर, चलो थैंक बहुत अच्छी बात है। सो हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग आई सेड टुडे मुस्कान? यू सर। हाँ हाँ सर, बहुत अच्छे से, कोई डाउट इसमें? अभी तो नहीं सर, सब क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात, दैट्स अमेजिंग। अब यस अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जैसे मैंने कहा है, डोंट कंसिडर के दो ग्रुप्स होते हैं, कंसिडर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, या सर, 6 सब्जेक्ट्स। सिक्स सिक्स चलो यस बहुत सर, बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर। ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी ऑन YouTube, आई होप यू ऑल्सो गॉट क्लियर्ड, एंड वी आर हैविंग डेमो वीडियोस ऑन YouTube टिल 29th ऑफ फरवरी। इफ यू वांट टू टेक अवर सब्सक्रिप्शन, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। आई होप आप सबको मजा आया, सभी को पक्का एंजॉय किया। सो कल से हम लोग रिवाइज करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके लिए हम लोग मिलेंगे शार्प 10:15 AM। और जाने से पहले कहूंगा मैं इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।